Hello guys, welcome to Study for Civil Services. Today is 26th of July 2019 and guys, current affairs ka ye lecture aap log dekh rahe hain. Is lecture ko exclusively civil services examination ko dhyan mein rakhte hue prepare kiya gaya hai. To aap mein se jo bhi UPSC civil services ya fir kisi bhi state civil services examination ki taiyari kar rahe hain to video ko end tak zarur dekhiyega. गाइज यहाँ पर हम लोग मल्टीपल सोर्सेज की न्यूज़ को कवर करते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मेन, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज़ को कवर किया जाता है. पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं, राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कशन डिबेट्स आती हैं उनको भी डिस्कस करते हैं, प्लस वेरियस मैगजीन जैसे कि EPW, डाउन टू अर्थ के भी आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं. सो गाइज ये लेक्चर आप लोग को कैसे बेनिफिट प्रोवाइड कराएगा, तो यहाँ पर जो भी न्यूज़ को, करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में होती हैं, जिनसे कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है. और जो भी कंसेप्चुअल न्यूज़ होती है उनसे रिलेटेड मैं आपके कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर करता हूँ, और मेन्स आंसर राइटिंग के लिए न्यूज़ में से क्या क्या पॉइंट्स को आप लोग को ध्यान में रखना है वो भी मैं आपको बताता हूँ. और गाइज न्यूज़ में जो भी जनरल स्टडीज़ का टॉपिक आता है यानी कि स्टैटिक पोर्शन, उसको भी हम लोग अच्छे से कवर करते हुए चलते हैं. तो इसी प्रकार से डेली बेसिस पर कॉम्प्रिहेंसिवली मेरे द्वारा यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करवाई जाती है. और लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले गाइज जो नीचे लाइक का बटन दिया गया है इस लाइक के बटन को हिट कर दीजिए, और चेक कर लीजिए कि आपने सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन पर हिट किया है कि नहीं, क्योंकि अगर आप इन दोनों बटन पर हिट करेंगे तो हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी. इसके अलावा अगर आप चाहें तो हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए अवेलेबल हैं, जहां पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, समय समय पर यहां पर टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं, और पूरी की पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की करवाई जाती है हमारे पेड कोर्सेज में. तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चाहें तो हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम की एप्लीकेशन पर इन यूजर नेम को अगर आप सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहां पर हम लोग आपको फ्री में स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं और वीडियो की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है. चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहली न्यूज से. तो बात की जा रही है क्राइसोमेलन स्क्वामीफिरम के बारे में. तो क्या है गाइस ये? तो ये स्केली फुट स्नेल का साइंटिफिक नेम है. स्केली फुट स्नेल जो होता है उसका साइंटिफिक नेम ये है, और स्केली फुट स्नेल जो है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है. ये देख लीजिए आप, ये ऐसा दिखता है स्केली फुट स्नेल. तो ये अभी न्यूज़ में था. अब ये न्यूज़ में क्यों था? तो देखिए गाइज, अभी रिसेंटली IUCN की रेड लिस्ट जो है वो अपडेट हुई है, जिसके बारे में हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में डिस्कस भी किया था. उसमें ये पाया गया है कि जो स्केली फुट स्नेल है ये पहला ऐसा स्पीसीज बन चुका है जिसको डीप सी माइनिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा खतरा है. तो ऑफिशियली इसको डिक्लेयर कर दिया गया है एज अ थ्रेटेंड स्पीसीज ड्यू टू डीप सी माइनिंग. जो समुद्री एरिया पर जो डीप सी माइनिंग होती है, क्योंकि देखो समुद्र के नीचे तट पर जो है वो कई सारे मिनरल्स हैं जिसको एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वेरियस कंट्रीज के द्वारा, तो इसी एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस में, इसी डीप सी माइनिंग की प्रोसेस में इन पर्टिकुलर स्पीसीज को काफी ज्यादा खतरा हो रहा है, इनके हैबिटेशन जो है उनको नुकसान पहुंच रहा है. राइट, तो इसलिए इसको ऑफिशियली जो है वो पहला ऐसा स्पीसीज है जिसको ऑफिशियली थ्रेटेंड स्पीसीज की कैटेगरी में डाल दिया है बिकॉज ऑफ डीप सी माइनिंग. तो ये वाली चीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछी जा सकती है, क्योंकि पहला स्पीसीज बन गया ये, और इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, और इसीलिए मैंने आपको उसका साइंटिफिक नेम जो है वो याद करवाने के लिए क्वेश्चन में डाला है, क्योंकि साइंटिफिक नेम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी डायरेक्टली. और ये पाया कहाँ पे जाता है? तो ये देखो गाइस आप, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा अरेबियन सी है, हमारे वेस्टर्न एरियाज पर हम लोग को देखने को मिलता है, वेस्टर्न कोस्ट पे हमारे. अगर आप इस तरफ और जाएंगे तो आपको इंडिया दिखाई दे देगा. तो देखो अफ्रीका पर ये वाली जो लोकेशन है ये है मडागास्कर आइलैंड की लोकेशन. राइट, तो मडागास्कर आइलैंड के ईस्ट में तीन ऐसे स्पॉट हैं सिर्फ जहां पर ये स्केली फुट स्नेल जो है वो इस प्रकार के पाए जाते हैं इनके ईस्टर्न एरियाज पर, यानी कि यहां कहीं पर कुछ तीन स्पॉट जो है वो बनाए गए हैं जहां पर ये सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं. अब देखिए मडागास्कर आइलैंड की लोकेशन तो ये देख ली हमने, इसके अपोजिट वाली लोकेशन देखिए आप, तो ये कंट्री जो है, इस कंट्री का नाम है मोजाम्बिक. क्या नाम है? मोजाम्बिक. तो यहां पर ये कंट्री भी अभी रिसेंटली न्यूज में थी. अब वो क्यों थी गाइस? पिछले 6-8 महीने पहले यहां पर बहुत ही विशाल जो है वो बाढ़ आ गई थी, फ्लड आ गया था यहां पर बहुत ज्यादा, जिसके चलते बहुत मेजर डिजास्टर हुआ था. और डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत, इंटरनेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत हमारी जो इंडियन नेवी है वो यहां पर मोजाम्बिक गई थी, और यहां पर जाकर जो है वो डिजास्टर असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड किया था, यानी कि लोगों की मदद वगैरह करी थी, और उनको जो बेसिक नीड्स जो होती हैं, खाने पीने वगैरह का सामान वगैरह जो होता है वो हमारी इंडियन नेवी के द्वारा प्रोवाइड किया गया था. तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए इस पर्टिकुलर जगह से रिलेटेड, मोजाम्बिक कंट्री से रिलेटेड, और उसी के अपोजिट में है ये मडागास्कर आइलैंड. राइट, तो मैप की भी प्रिपरेशन करना जरूरी है, क्योंकि मैप से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ना. गाइस अब हम लोग बात करेंगे ओवर द काउंटर ड्रग्स के बारे में. तो देखो गाइस, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में। और जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जिनको मैं कई बार समझा चुका हूं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप लोग को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में बहुत अच्छे से पता है। तो जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं उनको बताता हूं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि इसी से रिलेटेड ओवर द काउंटर ड्रग्स वाला जो टॉपिक है वो हम लोग समझेंगे। पर आप लोग को पहले एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस समझना जरूरी है, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस, आज की डेट में गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को जो है वो रिड्यूस किया जाए। तो ये होता क्या है, तो सिंपल तरीके से समझने के लिए मैं आपको देता हूँ ऑल आउट का एग्जाम्पल। तो गाइस, ऑल आउट सभी के घर पर होगा, या फिर गुड नाइट जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या होता है इससे, इससे मच्छर जो है वो भग जाते हैं। आज की रेट में क्या हो रहा है, आप ऑल आउट लगा रहे हो, मच्छर ऑल आउट के ऊपर आके बैठ जा रहा है। क्यों? वो मच्छर जो है वो रेजिस्टेंस हो चुका है उस केमिकल का, उसको रेजिस्टेंस हो चुका है उस केमिकल का, यानी कि वो जो है वो मरेगा नहीं, क्योंकि उसको हैबिट हो चुकी है उस केमिकल की। जैसे बोलते हैं ना हम लोग, किसी को इंसान को बार बार मारो तो वो ढीठ हो जाता है, फिर उसको मार का असर नहीं पड़ता। वैसे ही केस होता है मेडिसिंस के साथ भी। मेडिसिंस क्या होती है, अगर हम बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के डायरेक्ट मेडिकल स्टोर में जाकर अगर मेडिसिन जो है वो हम लोग ले लें और बार बार एक ही प्रकार की मेडिसिन खाते रहें, एंटीबायोटिक एक ही प्रकार की खाते रहें, तो हमारी बॉडी जो होती है वो एंटीबायोटिक रेजिस्ट हो जाती है, यानी कि एक टाइम के बाद हमारी बॉडी में वो मेडिसिन जो है वो काम करना बंद कर जाएगी। दैट इज कॉल्ड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब सपोज करो आपकी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और कोई इंडिविजुअल बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के, बिना प्रॉपर गाइडलाइंस के अगर किसी मेडिसिन को खा के बैठा हुआ है, राइट, ऑलरेडी यानी कि एक्सीडेंट होने से पहले वो उसकी बॉडी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बन चुकी है, और कहीं अगर उसका एक्सीडेंट हो गया और उस समय डॉक्टर ने उसको एंटीबायोटिक्स दी उसकी जान बचाने के लिए, तो क्या होगा गाइस, उस इंसान की जान जो है वो चली जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, बिकॉज वो इंडिविजुअल जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्ट है। तो ये मुद्दा है आज की डेट में बहुत ज़्यादा बड़ा, फोकस यही किया जा रहा है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को रिड्यूस किया जाए, बिकॉज इसके कारण होने वाली मृत्यु के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लोग एंटीबायोटिक रेजिस्ट हो गए हैं। और मैं भी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का शिकारी हूँ, हमारे रेगुलर व्यूअर्स को पता ही है, कई बार बता चुका हूँ कि मुझे एक प्रॉब्लम है एंकलूजिंग स्पॉन्डिलाइटिस करके, स्पाइन का अर्थराइटिस होता है बेसिकली ये। तो मैंने बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अच्छी खासी पेन किलर्स खाई और आज की रेट में मेरी बॉडी में कोई भी मेडिसिन जो है पेन किलर वाली वो काम नहीं करती, मुझे अपनी बॉडी से पेन खत्म करने के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ता है। तो सोचो आप ये कितना ज़्यादा डेंजरस है इन फ्यूचर, जैसे कि अभी तो कुछ एज ही नहीं अपनी, इन फ्यूचर वेरियस जब बीमारी होंगी तो उस समय हम लोग जब दवाई वगैरह खाएंगे तो उसका कोई असर ही नहीं पड़ेगा। देन दैट इज द मैटर ऑफ कंसर्न, दैट्स व्हाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ना। तो चलो, अभी तो आप समझ गए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार की जो मेडिसिन जो खाई जा रही है, राइट, डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पर जाकर, हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते, मेडिकल स्टोर वाले भैया के पास जाते हैं, बोलते भैया पेट दुख रहा है यार दे दो कुछ, तो वॉट ही गिव्स अस एंटीबायोटिक मेडिसिन, और वो हम लेकर आ जाते हैं घर पर और मस्त खा लेते हैं और बिना उसके प्रॉपर डोज के खा लेते हैं, हमारा पेट दर्द तो सही हो जाता है, बट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ इनटेक ऑफ दैट पर्टिकुलर मेडिसिन हमारी बॉडी जो होती है वो एंटीबायोटिक रेजिस्ट हो जाती है। समझ रहे हो बातों को पूरी? तो ये एक इशू है और ये टॉपिक जो है इसी से रिलेटेड है। अब आप समझ पाओगे कैसे रिलेटेड है, क्योंकि इसमें एक टर्म आया है ओवर द काउंटर ड्रग। तो ये चीज आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है, ओवर द काउंटर ड्रग्स क्या होता है, क्योंकि ऐसे टर्म्स होते हैं वो यूपीएससी बहुत ज्यादा पूछती है। तो ओवर द काउंटर ड्रग्स आर मेडिसिन सोल्ड डायरेक्टली टू अ कंज्यूमर विदाउट अ नीड ऑफ प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो ये ओवर द काउंटर ड्रग्स ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि मार्केट में जो फार्मा स्टोर्स वगैरह होते हैं, मेडिकल स्टोर्स वगैरह होते हैं, उनके द्वारा बेची जाती है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, यानी कि आपके पास अगर डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं भी होगा तो भी मेडिकल स्टोर वाला जो है वो आपको ये दवाई दे देगा। और वैसे भी आज की रेट में तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है मेडिसिन का मेडिकल स्टोर्स वगैरह में, कि कैसे मेडिकल मेडिसिन जो है वो बेची जा रही है, बिकॉज आज की रेट में आप कोई भी चाहो मेडिसिन वो आप ले सकते हो बिना प्रिस्क्रिप्शन के। द मेडिकल गाय जस्ट नीड मनी फ्रॉम यू, दैट्स इट, उसको कोई मतलब नहीं। आप जाके बोलो आपके प्रिस्क्रिप्शन नहीं भी होगा तो भी वो आपको दवाई दे देगा। लोग क्या कर रहे हैं आज की डेट में, कोरेक्स नाम की जो खांसी की जो दवाई वगैरह होती है उससे नशे कर रहे हैं, और ये हो रहा है, खुलेआम हो रहा है, बिना डॉक्टर की परमिशन के लोग जो है वो दवाई ले रहे हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मेडिकल स्टोर से। द रीजन फॉर दिस इज रेगुलेटरी अथॉरिटी हमारे पास प्रॉपर नहीं है, दैट इज द बिगेस्ट रीजन। तो यही बोला गया है कि आज की डेट में ओवर द काउंटर ड्रग्स होते हैं उनका वेल डिफाइंड रेगुलेशन हमारे पास नहीं है, और इसीलिए पेशेंट की सेफ्टी के जो है वो सेफ्टी को इम्पैक्ट कर रहा है, और हेल्थ केयर सेक्टर में यही एक ओवर द काउंटर ड्रग्स है जो कि काफ़ी नुकसानदायक बनता जा रहा है, इसीलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ती जा रही है लोगों में, राइट, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाले जो है वो उनके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं कर रहा है, कोई अथॉरिटी नहीं जो कि उनको मॉनिटर कर रही है कि कितने आप ड्रग्स सेल आउट कर रहे हो।
तो ऐसी अथॉरिटी की जरूरत है और यही वाली चीज आप जो है वो वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं. अगर मेंस एग्जामिनेशन में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यू कैन राइट कि हमारे यहाँ ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, उसका रेगुलेशन नहीं है, इसीलिए आज की रेट में राइज हो रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का और इसीलिए लोगों की हेल्थ जो है वो खराब होती जा रही है. राइट तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है आपके मेंस पर्सपेक्टिव से लिखने का. और ये जो ड्रग्स होते हैं गाइस, इनके कोई भी साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं होते हैं. ओटीसी में जिनको क्लासिफाई किया जाता नहीं कि उन ड्रग्स को जिसको ओवर द काउंटर ड्रग्स की कैटेगरी में रखा जाता है, तो उन ड्रग्स के मिनिमल साइड इफेक्ट्स होते हैं. बट आज की रेट में सिनेरियो इज चेंजिंग ग्लोबल लेवल पर भी, और इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी कहा गया है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो एक बिगेस्ट थ्रेट जो है वो बनता जा रहा है पूरी दुनिया भर में. राइट तो ये वाली चीज़ भी आप याद रखिएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी एक जो है वो लाइन जो है वो लिख दी जाएगा इससे रिलेटेड भी, इनके द्वारा भी रिकमेंड किया गया है. और यही ओटीसी के कारण ही, ओटीसी को प्रॉपर रेगुलेट नहीं किया जा रहा, इसके कारण ही पूरी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं. एंड इंडिया के अंदर खास तौर से सबसे खराब बात तो ये है कि हमारे यहाँ सेल्फ मेडिकेशन जो है वो उसकी प्रैक्टिस काफ़ी ज़्यादा चलती है. हमारे यहाँ हर दूसरे अंकल, हर दूसरे चाचा जो होंगे वो डॉक्टर ही होंगे. आप कोई, आपके कोई प्रॉब्लम है तो आपके यहाँ देखना कोई समझदार व्यक्ति आके बोलेगा कि देखो यार ये ले लो पैरासीटामॉल ले लो, चलो तुरंत सर दर्द वर्द ये सब चीज़ें सही हो जाएगी. बिना यानी कि बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आपके चाचा जो होते हैं, अंकल जो होते हैं, वो इस प्रकार के बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं. तो ये वाली प्रैक्टिस हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा है. तो ये भी एक मेजर इशू है इंडिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बढ़ने का. राइट एंड ड्रग्स फॉर कॉमन वायरल इन्फेक्शन, जो कॉमन वायरल इन्फेक्शन होते हैं जैसे कि सोर थ्रोट, एसिडिटी, इनडाइजेशन, पेट खराब वगैरह, नोजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, पेट दुखता है, इंजरी, कट्स, वाउंड, बर्न्स, एक्ने, तो ऐसे जो इश्यूज जो होते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम, वायरल इन्फेक्शन, तो ये ओटीसी के अंडर आती हैं. तो ओवर द काउंटर ड्रग्स जो होते हैं उसके अंडर गवर्नमेंट जो है वो कुछ ऐसे इस प्रकार के ड्रग्स का नाम मेंशन कर देती है जिसको मेडिकल स्टोर में बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन से बेचा जा सकता है. बट द इशू इज कि आज की डेट में जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ज़्यादा होता जा रहा है उसका कारण ही ये है कि कई सारे ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि ओटीसी के अंदर मौजूद हैं जिसको प्रॉपर रेगुलेट नहीं किया जा रहा, और इसीलिए ये मुद्दा जो है वो एट प्रेजेंट हम लोग को पार्लियामेंट में उठता हुआ देखने को मिला था. राइट इसी से रिलेटेड तो इसीलिए हम लोग इस टॉपिक को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं. तो आपको ओटीसी के बारे में पता होना चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में पता होना चाहिए काफ़ी डिटेल में. आई होप कि मैंने जिस प्रकार से एक्सप्लेन किया शायद आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होंगी. और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ एक है रेड लाइन कैंपेन. तो गाइस यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस कैंपेन जो है वो शुरू किया है, और इसमें एक रेड लाइन कैंपेन भी हम लोग को देखने को मिलता है. यहाँ पर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा इस कैंपेन के थ्रू अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है लोगों के बीच में कि बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के और जैसा जो डॉक्टर लिखता है, जैसे कि डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है उसमें जो वो डोजेस वगैरह लिखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग को मेडिसिन खानी चाहिए. होता यह है कि लोग बाग डॉक्टर ने लिखी 3 मेडिसिन 3 दिन के लिए और हम जो है 2 दिन में हम लोग सही हो जाते हैं और 3rd दिन की डोज जो है वो स्किप कर देते हैं. दीज आर द रीजंस जिसके कारण भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो डेवलप हो रहा है. समझ में आ रही है आपको बातों को? तो यही बोला गया है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अवेयरनेस जो है कैंपेन के थ्रू क्रिएट कर रही है. राइट कि ऐसी मेडिसिन जो है वो ना खाई जाए जिसमें रेड कलर की लाइन है, यानी कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऐसी मेडिसिन नहीं खानी है अपन को. इसको रेड लाइन कैंपेन भी बोला जाता है कि देखो आप ये मेडिसिन का पत्ता होता है ना उसमें गौर करना कि कहीं पर अगर रेड कलर की लाइन बनी हुई है तो इसका मतलब ये है कि इस दवाई के लॉन्ग टर्म यूसेज के बाद मे बी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होने के चांसेस हो सकते हैं. तो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऐसी मेडिसिन को नहीं खाना चाहिए. राइट तो ये वाली चीज़ आप लोग को थोड़ी पता होनी चाहिए. ये सब चीज़ें कभी कभी इंटरव्यू में भी डायरेक्टली पूछ ली जाती है कि पत्ता जो होता है मेडिसिन का उसमें लाल कलर की लाइन का क्या मतलब है. राइट तो यू कैन यूज सच काइंड ऑफ थिंग्स. और मेंस एग्जामिनेशन में आपके आंसर को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाने के लिए और काफ़ी अच्छा बनाने के लिए आप इस प्रकार के एग्जाम्पल्स, इस प्रकार की चीज़ें उपयोग जरूर कीजिएगा. राइट गाइज अब बात करेंगे आयकर दिवस के बारे में. तो गाइज आयकर दिवस यानी कि इनकम टैक्स डे. तो 159th इनकम टैक्स डे जो है जिसको आयकर दिवस बोला जाता है वो अभी रिसेंटली 24th जुलाई 2019 को जो है वो ऑब्जर्व किया गया था और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और उनके जितने भी फील्ड ऑफिस थे उन्होंने इस आयकर दिवस को जो है वो सेलिब्रेट किया. तो इनकम टैक्स डे जो है वो कब बना? तो ये 24th जुलाई 1860 को बना. दैट्स व्हाई 24th जुलाई 2019 को इसका 159th डे जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है. तो गाइस इनकम टैक्स के बारे में आप सभी जानते हो. इनकम टैक्स क्या होता है? आपकी इनकम पर कुछ टैक्स लगता है जो कि इनकम टैक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना. तो ये हुआ कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई? अब देखो
टाइमलाइन क्या है, 1860 की टाइमलाइन है। इसका मतलब ब्रिटिशर्स यहां पर राज कर रहे थे 1860 की टाइमलाइन में। गाइस ब्रिटिशर्स वर वेरी स्मार्ट। अब आप इसको बैकग्राउंड समझो। देखो क्या होता है कि कोई भी चीज आप पढ़ो ना, लॉ वगैरह अगर आप पढ़ो, कोई कानून के बारे में अगर आप समझने की कोशिश करो, तो उसके बैकग्राउंड को समझो पहले कि ये कानून क्यों बना है, इस कानून को बनने की क्या आवश्यकता थी, क्या रीजन था, क्या इनकम टैक्स बना तो क्यों बना, राइट। तो गाइस ब्रिटिशर्स वर वेरी स्मार्ट। अब आप नोटिस करो कि जब ब्रिटिशर्स यहां पर आए थे 1600 के समय पे हम लोग को देखने को मिला था, तो उससे पहले ही जो है वो ऑलरेडी यहां पर यूरोपियन पावर्स मौजूद थी, पोर्चुगीज यहां पर ऑलरेडी मौजूद थे, इनके बाद कई सारे डच आए, फ्रांस हम लोग को देखने को मिली, फ्रांस वाले लोग आए, फ्रेंच पीपल, है ना, तो वेरियस लोग यहां पर आए थे, अरब्स भी यहां पर ऑलरेडी पहले थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले, और इवन पोर्चुगीज के आने से पहले से ही अरब जो है वो यहां पर राज कर रहे थे। तो इतनी वेरियस जो यूरोपियन पावर्स थी और इतनी वेरियस एक्सटर्नल पावर्स वगैरह थी और इवन इंटरनल पावर्स ऑल्सो एट दैट टाइम, इंडिया जो था वो भी कई सारे अलग अलग राजाओं के रूल में हुआ करता था, जैसे कि मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर, साउथ साइड चले जाओ तो हैदर अली इसकी बात करें, टीपू सुल्तान वगैरह की बात करें, तो ये मैसूर में थे ये लोग, तो दीज वर द पावरफुल किंग्स अलग अलग जगह पर, तो सब लोग पावरफुल थे अपने आप में, बट ब्रिटिशर्स जो थे वो काफ़ी चालाक थे, दे वर वेरी स्मार्ट पीपल। उन्होंने इन लोग को तो निपटाया ही और साथ ही साथ जितने भी राजा और ये सब थे इनको भी निपटा डाला, और ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने रूल किया हमारे ऊपर 200 साल तक। तो ये क्या वजह थी ब्रिटिशर्स के रूल करने की, गाइस इन लोग अपनी डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर के नाम से बहुत जाने जाते हैं, इन लोग के पास डिप्लोमेटिक पॉलिसी इनकी बहुत अच्छी थी और मिलिट्री पावर इनकी बहुत अच्छी थी, दैट्स वाई इन लोगों ने अपने ऊपर राज किया। और इन लोग इतने चालाक थे गाइस, इन लोग को हमेशा अपना इनका जो मेजर जो ऑब्जेक्टिव था, उन्होंने अपने ऑब्जेक्टिव को कभी नहीं खत्म किया, चाहे वो जब वो इंपीरियलिज्म करना शुरू कर दिया था, जब कोलोनाइज करना उन्होंने शुरू कर दिया था हमारे इंडिया के ऊपर, तब भी उनका मेजर मोटिव क्या था, इनकम, कि इंडिया से इनकम जनरेट करनी है जितनी हो सके उतनी। हम लोग कहते हैं ना कि एक टाइम पर इंडिया जो था वो सोने की चिड़िया थी, ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया के पास इतना ज़्यादा पैसा था, इतना वेल्थ था, रिसोर्सेज थे, और ब्रिटिशर्स के जाने के बाद निपट चुके थे। वंस वी वर द टॉप एक्सपोर्टर कंट्री, तो एक टाइम पर ब्रिटिशर्स के आने से पहले और ब्रिटिशर्स के टाइम पर भी हम लोग एक्सपोर्टर एक्सपोर्टिंग कंट्री हुआ करते थे, एक्सपोर्ट्स किया करते थे, और ब्रिटिशर्स जब आए तब उसके बाद हमारी कंडीशन ऐसी हो गई, वी बिकेम इम्पोर्टर्स, फेमाइन आना शुरू हो गया, वेरियस प्रॉब्लम आना शुरू हो गई ये ब्रिटिशर्स के कारण, क्योंकि इनकी एग्रीकल्चरल पॉलिसी और जितनी भी ये पॉलिसीज बनाया करते थे, जितने भी ये कानून बनाया करते थे, ये सिर्फ अपने हित के लिए बनाया करते थे, ना कि इंडिया के लिए। सेम चीज़ विद इनकम टैक्स ऑल्सो, ये चीज़ आप समझो। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड बेस बनाना था, इसलिए आई टोल्ड यू, आई नो कि आप लोग को पहले से पता है, बट रियल टाइम पे इस चीज़ों को समझने के लिए उस चीज़ को इमेजिन करना पड़ता है कि वो क्या स्थिति चल रही थी और क्या कैसे हुआ, तब आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अब देखना ये बात कब की है, 1860 की। अब पढ़ लेते क्या लिखा है, इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन 1860 24 जुलाई बाय सर जेम्स विलियम। तो प्रीलिम्स के लिए याद रखना, सर जेम्स विलियम ने इनकम टैक्स एक्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया था। अब समझना बात को, टू कंपनसेट फॉर द लॉसेस इनकर्ड बाय ब्रिटिश रिजीम ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। जो फर्स्ट वॉर हुआ था इंडिपेंडेंस का, फर्स्ट वॉर हमारे इंडिपेंडेंस का कब हुआ था, 1857, पहले ही बार हम लोगों ने मिलकर ब्रिटिशर्स को तमाचा मारा था, रिवोल्ट ऑफ 1857 आपको याद आ रहा होगा। तो इस रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लॉसेज हुए, तो ब्रिटिशर्स ने क्या बोला, चलो भाई इसकी भरपाई करनी है तो क्या किया जाए, लोगों की इनकम के ऊपर टैक्स लगाया जाए, एक नया कानून जो है वो बना दिया जाए। इन्होंने यही किया, इन्होंने अपने लॉसेस को क्लियर करने के लिए, कवर करने के लिए, ओवरकम करने के लिए इनकम टैक्स कानून जो है वो लागू किया। हमेशा चाहे कोई भी कानून आप देख लो ब्रिटिशर्स के द्वारा जो पास किया गया, कोई भी कानून था वो सिर्फ ब्रिटिशर्स ने अपने हित के लिए ही पास किया। जैसे वर्नाकल और प्रेस एक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो क्या किया था उस प्रेस एक्ट में, कि हम लोगों ने जो है वो हमारे जो जितने भी वेरियस इलीट पीपल्स हुआ करते थे और इंटेलेक्चुअल पीपल हुआ करते थे, उन्होंने पेपर्स वगैरह में छापना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स के बारे में कि ब्रिटिशर्स जो है वो यहाँ पर नुकसान पहुँचा रहे। तो उन्होंने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के थ्रू जो विचार जो थे हमारे लोगों के ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जो भी न्यूज़ छप रही थी उसको उन्होंने जो है वो बंद करवा दिया, राइट। वर्नाकुलर जितनी भी वर्नाकुलर लैंग्वेज थी, यानी कि हिंदी भाषा में और वेरियस जो अलग अलग लैंग्वेज होती हैं अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, तो उन सब भाषाओं में जो न्यूज़पेपर छपते थे, तो उनको उन्होंने इस कानून के थ्रू ये किया कि जितने भी ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं उनको सबको बैन कर दिया, बंद करवा दिया एक झटके में। क्यों किया, बिकॉज दे वर नोइंग कि जो भी चीज़ न्यूज़पेपर में लिखी जा रही है वो एक इंटरनेशनल मुद्दा उठ सकता है अगर ये न्यूज़पेपर बाहर चला जाए कहीं पे, तो सो दे गॉट इनसिक्योर, दैट्स व्हाई दे डिड इंट्रोड्यूस सच काइंड ऑफ एक्ट्स, है ना। इसके अलावा एजुकेशन पॉलिसी की भी अगर हम लोग बात करें, एग्रीकल्चर पॉलिसी की भी अगर बात करें, इंडिया के अंदर जरूरत ही नहीं थी इंडिगो और ये सब कैश क्रॉप्स को उगाने की,
हम लोग जो थे वो फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम किया करते थे, हम लोग गेहूं उगाया करते थे, चावल उगाया करते थे, क्यों? बिकॉज हमारी पॉपुलेशन को खिलाने के लिए. ये लोग आए, इन्होंने इंडिगो और ये सब चीज़ें उगवाना शुरू कर दी, तभी तो चंपारण हम लोगों ने देखा. इंडिगो इन्हें उगवाया जिसकी ज़रूरत नहीं थी और उसके चलते हमारी फसलें ख़राब हो गई, और फोर्सफुली फिर इन्होंने ये सब काम करना शुरू किए थे. वेरियस जो इन लोग लेकर आए थे, सब्सिडरी अलायंस लेकर आए थे ये लोग. क्यों लेकर आए थे? द रीज़न बीइंग दे वांटेड टू कैप्चर द होल टेरिटरी, बिकॉज दे न्यू कि सब्सिडरी अलायंस नहीं लगाएंगे तो ये लोग अपनी मिलिट्री निकाल लेंगे, इनके राजा, और एक टाइम पर फिर क्लैशेज होना शुरू हो जाएगा. दे वर वेरी वेरी स्मार्ट, इतने स्मार्ट थे तभी तो जाकर इतनी सारी यूरोपियन पावर्स को इन्होंने अलग कर दिया और हमारे जो जितना भी रूल था सबको तबाह कर दिया, राइट, जितने भी राजा वगैरह थे. तो इन्हीं की यही पॉलिसी थी और इनका मेजर मकसद ये था इंडिया को ड्रेन करना, जितना पैसा हो सके उतना इंडिया से निकालना. तभी तो इनने क्या किया, इनने अपने लॉसेस को ओवरकम करने के लिए लोगों के ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया, राइट. तो ये वाली चीज़ हम लोग को देखने को मिली. तो ये है इसका ओवरऑल बैकग्राउंड. तो ये आप मेंस पर्सपेक्टिव्स के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट. सो गाइस, ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड. आई होप कि आपको पूरी चीज़ जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी. और ये 24 जुलाई 1860 याद रखिएगा, इनकम टैक्स डे इस दिन इंट्रोड्यूस हुआ था. सर जेम्स विल्सन का भी नाम आप लोग को याद रखना है, क्योंकि ये नाम भी आपसे यूपीएससी प्री वगैरह में पूछ लिया जा सकता है, राइट. तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक. आई होप कि आपको अच्छे से पूरी चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी. अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटर मिनिस्टेरियल ग्रुप के बारे में. तो गाइस, एक कमेटी जो है वो सेटअप की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी. वर्चुअल करेंसी के ऊपर बेस्ड एक कमेटी बनाई गई थी और जिसको हेड किया था फाइनेंस सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग जी के द्वारा. तो इन्होंने गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी है, और इस रिपोर्ट में इन्होंने जो है वो एक कुछ सजेशन दिए गए हैं, जिस सजेशन में बोला है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को इंडिया से बैन कर दिया जाए. व्हाट डू यू मीन बाय क्रिप्टो करेंसी गाइस? तो क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? तो ऐसी इनऑफिशियल डिजिटल करेंसी जिसके बारे में पता नहीं होता, राइट, तो वो क्रिप्टो करेंसी के डेफिनेशन के अंदर आ जाती है. यानी कि एनी इन्फॉर्मेशन और कोड और नंबर और टोकन नॉट बीइंग अ पार्ट ऑफ एनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी इज नोन एज क्रिप्टो करेंसी, राइट. और इसमें जितने भी एक्सचेंजेस वगैरह होते हैं वो कंसिडरेशन के थ्रू या विदाउट कंसिडरेशन जो है वो हो सकते हैं. इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है होता है लॉस का रिस्क होता है. अब लॉस का रिस्क क्यों होता है, इसको ईजी तरीके से आप समझो, बहुत ही ईजी तरीके से. डिजिटल करेंसी ही होती है बेसिकली क्रिप्टो करेंसी, इसको वर्चुअल करेंसी भी बोला जाता है. अब डिजिटल करेंसी में बहुत सारी चीज़ आती है, जैसे कि आपकी इंटरनेट बैंकिंग क्या है, दैट इज़ डिजिटल करेंसी. आप अपने एक अकाउंट से जो है वो अपने फ्रेंड के अकाउंट पे जो पैसा जो है वो भेज सकते हैं. या फिर मैं बोलूँ पेपाल, राइट. पेपाल जो है वो क्या है, डिजिटल करेंसी का एक मोड हम लोग को देखने को मिल रहा है. पेटीएम इज़ द बिगेस्ट एग्जाम्पल. पेटीएम हो गया, पेयू मनी हो गए, भीम हो गई, राइट. तो ये सब क्या है, डिजिटल करेंसी है. आप किसी को पेमेंट करते समय पेटीएम का उपयोग कर रहे हैं, तो ये डिजिटली आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, राइट. पेटीएम वॉलेट के अंदर क्या है, कुछ पॉइंट्स है, यानी कि नंबर्स हैं, रुपीज़ के टर्म पर आता है, बट वो रुपीज़ एग्जैक्टली पैसा तो नहीं है ना, पेपर करेंसी तो नहीं, विजिबल करेंसी तो नहीं है, वर्चुअल करेंसी ये सब. तो ये सब जो है ये भी डिजिटल करेंसी है, बट दे आर लीगल और ऑफिशियल है. बिकॉज अगर पेटीएम में अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, या फिर छोड़ो बैंक इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप किसी को पेमेंट भेज रहे हो अपने अकाउंट से दूसरे के अकाउंट में आईएमपीएस के माध्यम से, तो अगर आपका ट्रांजेक्शन जो है वो फेल हो जाता है और अगर आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं और आपके फ्रेंड के अकाउंट पर पैसे नहीं आते हैं, तो आप बैंक को जो है वो कंप्लेन कर सकते हो, बैंक के पास जा सकते हो. बैंक नहीं मानेगी तो आप जा सकते हो आरबीआई के पास, यानी कि यू नो वेयर यू हैव टू कंप्लेन. बट अगर क्रिप्टो करेंसी की बात करें, जैसे कि वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल बिटकॉइन. बिटकॉइन में क्या है, अगर बिटकॉइन में अगर आप किसी को ट्रांजेक्शन भेज रहे हो, पैसा कर रहे हो कुछ किसी को वहां पर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, और अगर फेल हो जाता है बेसिकली आपका ट्रांजेक्शन, तो देयर इज नो वन वेयर यू कैन कंप्लेन. आपको पता ही नहीं कि आपको कहां पे कंप्लेन करनी है, है ना. तो ये सीन बिटकॉइन का होता है. तो इसीलिए, और दूसरा एक मेजर कंसर्न भी समझो आप, कि इस पर्टिकुलर कमिटी के द्वारा क्यों बैन करने की बात की है, कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसको इंडिया से बैन कर दिया है, क्यों बैन करने की बात करी है. गाइस, आज की रेट में बिटकॉइन के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा क्राइम हम लोग को देखने को मिल रहा है. काफ़ी ज़्यादा जो क्रिमिनल्स वगैरह जो है वो बिटकॉइन का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन देखने को मिलता है. यानी कि इसमें ऐसा नहीं होता कि जो ट्रांजेक्शन जो होता है कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं, यानी कि अगर आप बैंकिंग के थ्रू ट्रांजेक्शन करोगे तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है. अगर आपका ट्रांजेक्शन फेल होता है या फिर अगर कोई इलीगल ट्रांजेक्शन चल रहा है तो वो मॉनिटर किया जा सकता है आपके ट्रांजेक्शन को. बट यहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है. आप जिसको पैसे भेज रहे हो सिर्फ उसी के पास तक जो है वो पैसा जाएगा. इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा ब्लैक मनी जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है इसमें. हवाला के केसेज इन्वॉल्व हो रहे हैं, राइट. हवाला क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग. तो ये हवाला जैसे इशूज़ वगैरह जो है, जिसको आप पेपर थ्री के सिक्योरिटी वाले टॉपिक पे जो है वो हवाला मेंशन है हमारे यूपीएससी में ही, तो उसको आप पढ़ोगे. तो ये हवाला में क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं कि
एक प्लेस से पैसा जो है वो दूसरी प्लेस तक, दूसरी कंट्री तक, यानी कि दुनिया में कहीं पर भी पहुंचाया जा सकता है। तो ये होता है हवाला, और ये लोग आज की रेट में बिटकॉइन का उपयोग कर रहे हैं इस प्रकार के ट्रांजेक्शन करने के लिए। अभी बीच में एक वॉनाक्राई नाम का एक वायरस जो था, वॉनाक्राई आपको याद आ रहा होगा, WANNA वॉनाक्राई, तो ये वायरस जो था ये वेरियस स्टेट PCS में जो है वो पूछा जा चुका है ऑलरेडी, वॉनाक्राई वायरस के बारे में क्या है। तो वॉनाक्राई जो वायरस था ये एक कंप्यूटर वायरस था जिसके माध्यम से क्या किया था, जो कई सारे जो कंप्यूटर्स जो थे 1998 के आई थिंक विंडोज 98 जो थे ना, 1998 नहीं विंडोज 98 वगैरह और विंडोज 2000 जो PC थे, XP वगैरह जो थे, तो अभी जो चल रहा है वो विंडोज 7 चल रहा है, विंडोज 10 वगैरह चल रहा है, तो ये जो पुराने आउटडेटेड जो विंडोज थे कंप्यूटर्स वगैरह, तो उनको वॉनाक्राई नाम के वायरस ने हैक कर दिया था। और उसमें जो डिमांड की गई थी वो ये की गई थी कि बिटकॉइंस के माध्यम के थ्रू आप इस पर्टिकुलर अकाउंट पे पैसे भेज दो। अब बिटकॉइन पे पैसे भेज रहे हैं, डिजिटल करेंसी जा रही है, बट कोई उसको ट्रैक नहीं कर सकता बिकॉज उसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। तो ऐसे क्राइम्स जो है वो शुरू हो गए थे, राइट, और लोगों को लूटा जा रहा था। और बिटकॉइन की बात करें इंडिविजुअली इस पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी की, तो आपको पता होगा कि बिटकॉइन के प्राइसेस जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा। जब ये नया नया जब बिटकॉइन आया था तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बाकायदा एक पेपर पर पब्लिकेशन किया गया था कि RBI ने बोला था कि अगर कोई भी इंडिविजुअल का पैसा जो होगा बिटकॉइन के माध्यम से, अगर किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी प्रकार का अगर लॉस होगा तो RBI उस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, गवर्नमेंट उस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। तो ये बाकायदा RBI के द्वारा एक नोटिस इशू किया गया था, राइट। तो और बिटकॉइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्राइम सीन हम लोग को इसके थ्रू देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो कमिटी बनाई गई थी उन्होंने भी काफ़ी सारे सजेशन दिए हैं, रिकमेंडेशंस दिए हैं, तो उसके बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे क्या क्या रिकमेंडेशन है। और इसके माध्यम से एक बिल भी जो है वो ड्राफ्ट हो चुका है, बिल का नाम है बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019। तो ये बिल जो है वो पार्लियामेंट में प्लेस होगा और उसके बाद फिर हम लोग को कानून बनते हुए देखने को मिलेगा आने वाले समय में अगर ये पास हो जाता है तो, राइट। तो अभी के लिए ये जान लो कि एक बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019 जो है वो क्या कहता है। तो इसमें गाइस बताया गया है कि सभी प्रकार के जितने भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसको बैन करने की बात करी है, सभी प्रकार की इंडिया में जितनी भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है, जितने भी लोग हैं इस प्रकार की प्राइवेट सेक्टर के माध्यम के थ्रू ऐसी करेंसी जो है वो चला रहे हैं, तो उसको बैन किया जाए। और करेंसी की बात की जा रही तो आपको एक और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पता होना जरूरी है कि फेसबुक जो है गाइस वो भी अपनी वर्चुअल करेंसी जो है वो बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाली है, राइट। तो फेसबुक का नाम याद रखिएगा, ये कंपनी जो है वो अपनी खुद की वर्चुअल डिजिटल करेंसी जो है वो लेकर आएगी, और इसका अनाउंसमेंट जो है वो कुछ ही समय पहले, मेरे ख्याल से 2-1 महीने पहले ही फेसबुक के द्वारा किया गया है, जिसके बारे में हम लोगों ने ट्यूटोरियल में डिस्कस भी किया था इसके बारे में काफ़ी डिटेल में। तो ये एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, बट यहाँ पर फेसबुक क्या है गाइज, फेसबुक एक लीगल एंटिटी है और ये अपनी खुद की करेंसी चला लेकर आ रही है वर्चुअल करेंसी, और ये भी बिल्कुल क्रिप्टो करेंसी के मॉडल के ऊपर ही बेस्ड होती है, यानी कि इसका नेटवर्क जो होता है वो पीयर टू पीयर ही इसका नेटवर्क होगा, तो उसी मॉडल के ऊपर बेस्ड है ये। बट फेसबुक जो होगी वो इसको रेगुलेट करेगी, उसको मॉनिटर करेगी। तो इसमें इसका मतलब क्या है कि अगर आपका पैसा अगर खराब होता है, नुकसान होता है, तो आप फेसबुक को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो ये लीगल केस में आ जाती है, बट ऐसी कंपनीज जिसके ऑथराइज आपको पता ही नहीं कि कौन उसका ऑथराइज है, रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या है उसका, तो ऐसी जो करेंसीज वगैरह होती हैं वो प्राइवेट करेंसीज क्रिप्टो करेंसीज होती हैं और वो इल्लीगल होती हैं, तो उसको इंडिया जो है वो बिल्कुल प्रमोट नहीं कर रही, और उसको बैन करने के लिए ये पर्टिकुलर बिल जो है वो लाया जा रहा है। और जो भी इंडिविजुअल इसमें इन्वॉल्व रहेगा तो उसको 25 करोड़ रुपए तक का फाइन जो है वो देना पड़ सकता है और 10 साल तक की उसको सजा भी सुनाई जाएगी। और RBI और गवर्नमेंट जो है गाइस वो आने वाले समय में बताया जा रहा है कि एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी जो है वो लेकर आने वाले हैं, यानी इसी प्रकार की जो वर्चुअल करेंसी है वो इंडिया के द्वारा ही लाई जाएगी इन फ्यूचर, राइट। और इसके लिए बोला जा रहा है कि एक स्पेसिफिक ग्रुप जो है वो एस्टेब्लिश किया जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा, और RBI जो है वो साथ ही साथ पार्टिसिपेट करेगी। इस पर्टिकुलर ग्रुप में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज भी देखने को मिलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलेगी, जो कि एग्जामिन करेंगे और डेवलप करेंगे एक अप्रोप्रिएट मॉडल डिजिटल करेंसी के लिए, इंडिया में डिजिटल करेंसी को लाने के लिए अप्रोप्रिएट मॉडल जो है वो डेवलप और एग्जामिन किया जाएगा इस पर्टिकुलर ग्रुप के द्वारा, राइट। तो ये वाली चीज़ भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा आप। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर ये चलेगी, जैसे कि मैंने आपको बताया ना पीयर टू पीयर नेटवर्क, तो ये इस चीज़ को बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो इसी के ऊपर बेस जो होगी ये पैनल जो है वो काम करेगा, फोकस करेगा कि किस प्रकार से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है, राइट। और इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी जो है उसके उपयोग के लिए जो नो योर कस्टमर का जो कंप्लायंस कॉस्ट होगा उसको भी रिड्यूस किया जाएगा, ये वाली बात भी यहाँ पर बोली जा रही है।
डेटा लोकलाइजेशन पर भी फोकस किया गया है. एक डोडा इसमें फोकस ये किया जा रहा है कि एक डेटा प्रोटेक्शन बिल भी जो है वो भी ड्राफ्ट किया जाएगा. द रीजन बीइंग इज आज की डेट में फोकस यही हो रहा है कि हमारे पास जो है वो अगर हम लोग को साइबर सिक्योरिटी की तरफ अगर आगे बढ़ना है तो डेटा प्रोटेक्शन बिल को लाने की आवश्यकता है, डेटा को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है. मुद्दा बहुत समय से, यानी कि आधार कार्ड जब बना था और उसके बाद से ही हम लोग को देखने को मिला कि 2017 में ही हमने देखा कि काफ़ी सारे एक्टिविस्ट जो थे वो खड़े हुए और उन्होंने बोला कि डेटा प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई ना कोई इंडिया के पास कानून होना बहुत ज़रूरी है, राइट. और इसीलिए बोला जा रहा है कि क्योंकि क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी की बात की जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि ये सब चीज़ें जो होती हैं डिजिटलाइज होती हैं, इसको प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है. तो बोला ये जा रहा है कि इसके लिए आने वाले समय में एक डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो भी लाया जाएगा और जिसके चलते सभी लोगों का पर्सनल डेटा जो होगा वो क्रिटिकली स्टोर किया जाएगा, राइट. क्योंकि इसमें वेरियस चीज़ें इन्वॉल्व है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी जो है वो इसमें इन्वॉल्व हम लोग को देखने को मिलेगी. तो इसके लिए एक प्रॉपर स्टोरेज बिल जो है वो सॉरी डेटा स्टोरेज बिल जो है वो लाने की बात की जा रही है, राइट. और अगर ये रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो जाते हैं तो गवर्नमेंट जो है वो गाइज वो अपनी खुद की डिजिटल करेंसी जो है वो लेके आएगी, जैसे कि फेसबुक ने अपनी जो है वो डिजिटल करेंसी जो है वो लाने की बात करी है. तो उसी प्रकार से हम लोग को देखने को मिलेगा. और इवन जो फेसबुक वगैरह जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी मिलकर जो है वो काम कर सकते हैं इनके नॉर्म्स वगैरह को फॉलो करते हुए, राइट. तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पर सामने आ रही हैं अगर ये बिल जो है वो अगर पास हो जाता है तो. और इसकी अगर हम लोग बात करें इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी की, तो इन्होंने बैन जो है वो क्यों प्रपोज किया क्रिप्टो करेंसी के ऊपर. तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये जो होते हैं वो बिल्कुल भी सेफ नहीं होते हैं, राइट. इनकी वैल्यूज जो होती है वो कभी भी अप डाउन होती रहती है. और सेकेंडली इनका कोई ऑथराइजेशन नहीं होता, यानी कि कोई ऑथराइज पर्सन इंडिविजुअल नहीं होता जिसके पास जाकर आप अपनी कंप्लेन बुक कर सकते हो, राइट. और अगर होता भी है तो ये प्राइवेट कंपनीज वगैरह होती हैं, कभी भी अपने आप को दिवालिया घोषित कर देंगी और उसके बाद लोगों का पैसा जो है वो डूब जाएगा, राइट. और ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है. और ऐसी कई सारी स्कीम्स भी हम लोग को देखने को मिलती हैं जो कि लोगों का पैसा खा जाती हैं, उसके बाद लोग बेचारे परेशान हो रहे होते हैं. तो ये जो है वो एक बड़ा क्राइम जो है वो ना बन जाए, इसलिए इसको बंद करने की बात की जा रही है. पहले से ही एक ऐसा कानून लाया जा रहा है जिसके चलते इन फ्यूचर ऐसी कोई प्राइवेट कंपनीज जो है वो लोगों का पैसा ना डुबा दें, एक नए तरीके के क्राइम को जो है वो जन्म ना दे दें. हालांकि नए तरीके का क्राइम जो है वो जन्म हो ही चुका है बिटकॉइन के माध्यम से, बट इंडिया में उसका प्रेजेंस जो है वो काफ़ी कम है. तो ऐसी कोई कंपनी इंडिया के अंदर ना इन्वॉल्व हो जाए तो इसलिए पहले से ही पूरे मेजर जो है वो लिए जा रहे हैं, राइट. और ये जो है ग्लोबल प्रैक्टिसेस की भी अगर बात करें, पूरी दुनिया भर में इसको बिल्कुल भी लीगल टेंडर की तरह रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता. यानी कि अगर आपके पास जो नोट है आपकी जेब में, तो नोट जो है हमारे पास जो करेंसी है ये क्या है, दिस इज लीगल टेंडर. लीगल टेंडर मतलब अगर कुछ होता है तो यू कैन कंप्लेन टू द नोन अथॉरिटीज, राइट, गवर्नमेंट के पास, ओम्बड्समैन वगैरह के पास. एंड कमिटी ऑल्सो रिकमेंड ऑल एक्सचेंजेस पीपल ट्रेडर्स एंड अदर फाइनेंशियल सिस्टम पार्टिसिपेंट शुड बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम डीलिंग विद क्रिप्टो करेंसी. तो सभी लोगों को जो है वो ऐसी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी से डील करने से जो है वो बैन कर दिया. यानी कि अगर कोई करेगा तो स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि 10 साल तक की सजा और 25 करोड़ रुपए तक का फाइन भी लग सकता है. तो ये था गाइस इससे रिलेटेड पूरा ओवरऑल टॉपिक क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड. ये बिल जो है ये ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है. दोस्तों अब बात कर लेते हैं नॉन अलाइंग मूवमेंट के बारे में, वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी गाइस. तो बेलग्रेड में 1961 में इसका जन्म हुआ था, फाउंडेशन हुआ था नाम का. इंडिया का ही ये इनिशिएटिव है नॉन अलाइंग मूवमेंट गाइस. तो देखो एक टाइम पर यूएसए और यूएसएसआर यानी कि सोवियत यूनियन जिसको हम लोग बोलते हैं, एट प्रेजेंट जो रशिया है, तो ये दो सुपर पावर्स जो है वो हुआ करती थी, राइट. इन दोनों का दबदबा हुआ करता था, बायपोलर वर्ल्ड हुआ करता था. आज की डेट में एक ही सुपर पावर बची हुई है यूएसए, क्योंकि यूएसएसआर जो है वो 1990s के समय पे डिसमेंटल हो गई थी पूरी तरह से कंप्लीटली, राइट. फिर उसके बाद से यूएसए का ही दबदबा हम लोग को देखने को मिलता है. तो देखो पहले के समय पे जब दो सुपर पावर हुआ करती थी यूएसए और यूएसएसआर, तो जो पूरा दुनिया जो है, जो रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द कंट्रीज हैं, वो दो वर्ल्ड में डिवाइड हो गई थी. काफ़ी सारी कंट्रीज यूएसए को सपोर्ट कर रही थी और काफ़ी सारी कंट्रीज यूएसएसआर को. इस बीच में कई सारी ऐसी कंट्रीज थी जिनको, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज, छोटी कंट्रीज, जिनको किसी को भी सपोर्ट नहीं करना था, बिकॉज दे न्यू कि अगर वो किसी को भी सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं से उनके ऊपर जो है वो ट्रबल क्रिएट हो सकता है. और इंडिया जो है उसने ऑलरेडी, इंडिया का पास्ट हमने देखा कोलोनाइजेशन के चलते काफ़ी खतरनाक इसका पास्ट रहा है, राइट. तो इंडिया समझ चुकी थी कि यार ऐसी हम लोग को जो है वो दोनों को सपोर्ट करना ही नहीं है, हम लोग को न्यूट्रल रहना है. तो इंडिया एक इनिशिएटिव लेकर आई जो था नॉन अलाइंग मूवमेंट का, और इसको टोटल 5 जो हेड्स थे गाइज उन्होंने मिलकर क्रिएट किया था, 5 कंट्री ने, यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, घाना और इंडोनेशिया. तो ये 5 हेड्स जो थे जिनके द्वारा नॉन अलाइंग मूवमेंट को जो है वो क्रिएट किया गया था. और ये नॉन अलाइंग मूवमेंट
बेसिकली इस तरीके से बनाया गया था, जिसके चलते यानी कि नॉन अलाइंड, एक तरह से इसको ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं, जिसमें ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ना ही यूएसए को सपोर्ट करती हैं ना ही यूएसएसआर को, ना सपोर्ट करती हैं और ना अपोज करती हैं, राइट? तो ये न्यूट्रल कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है नॉन अलाइंग मूवमेंट के अंदर। तो आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे और इंटरनेशनल रिलेशंस जब पढ़ोगे तो उसमें आपको ये टॉपिक नॉन अलाइंग मूवमेंट का जरूर देखने को मिलेगा, राइट? तो देखो गाइस, इसका फॉर्मेशन हुआ था कोल्ड वॉर के समय, जो मैंने भी आपको पूरा बताई दिया है कि जब यूएसए और यूएसएसआर जो है, जो कि सोवियत यूनियन है, तो ये दोनों जो है वो आपस में डिवाइड थे, बाइपोलर वर्ल्ड था। तो उस समय जो कंट्री जो है नॉन अलाइंग मूवमेंट की जो कंट्रीज़ हैं, उनने अपने आप को इंडिपेंडेंट रहना जो है वो, या फिर न्यूट्रल रहना जो है वो समझा, तो इसलिए उन्होंने किसी को भी सपोर्ट नहीं किया। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ भी इसको हम लोग बोल सकते हैं, राइट? डेवलपिंग कंट्रीज जो थी, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो न्यू नॉन अलाइंग मूवमेंट जो है ये हम लोग को देखने को मिलती है। और ये जो पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट की, ये फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील के ऊपर बेस्ड है। ये वाली चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी पहले यूपीएससी पूछ चुकी है। तो नॉन अलाइंग पॉलिसी जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, तो आपको पता होना चाहिए पंचशील की पाँच पॉलिसीज के ऊपर बेस्ड है, तो वो मैं भी आपको बताऊंगा। और ये फाइव हेड्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, यूगोस्लाविया, इंडिया, इजिप्ट, घाना, इंडोनेशिया के। और अभी एट प्रेजेंट न्यूज़ में हम लोग इस टॉपिक को इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एट प्रेजेंट नॉन अलाइंग मूवमेंट जो है गाइस, उनकी मिनिस्टेरियल मीटिंग ऑफ कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो जो है वो अभी रिसेंटली हुई है वेनेजुएला में। वेनेजुएला की कैपिटल काराकस है, वहाँ पर हम लोग को देखने को मिलती है। वेनेजुएला का मैप देख लो आप, तो ये साउथ अमेरिका है, ऊपर नॉर्थ अमेरिका हम लोग को देखने को मिलता है, बीच में मैक्सिको है। यहाँ पर ये देखिए आप, ये कैरिबियन सी आपको दिखाई दे रही है ऊपर, इस यहीं पर ही ये वेनेजुएला की लोकेशन है, वेनेजुएला, राइट? तो वेनेजुएला में अभी एट प्रेजेंट जो है वो इसकी मीटिंग हुई है, और इस साल की इसकी थीम याद रखिएगा, थीम है प्रमोशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ पीस थ्रू रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। तो ये इसकी जो है वो थीम है। और इंडिया के द्वारा कुछ मुद्दे अभी मीटिंग के दौरान जो है वो उठाए गए, मुद्दे थे क्लाइमेट चेंज के ऊपर, डिजिटल टेक्नोलॉजीज के ऊपर और टेररिज्म के ऊपर। तो ये तीन मुद्दे अभी एट प्रेजेंट जो है वो उठाए गए हैं। और इंडिया के द्वारा सजेशन दिया गया कि नाम को दोबारा से री एग्जामिन किया जाए, क्योंकि नाम को री एग्जामिन करने की ज़रूरत है, रीस्ट्रक्चराइज करने की ज़रूरत है, और इसकी जो मेथडोलॉजी है उसको भी थोड़ा सा चेंज करना है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज करना ही काफ़ी अच्छा होता है, राइट? और क्यों, क्या चैलेंजेस नाम फेस कर रही है, तो उसको भी मैं आपको बताऊंगा। बट बिफोर दैट, पांच प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं पंचशील के, ये समझ लो आप, जो कि 1954 में बनाए गए थे और 1961 में फाइनली नाम जो है उसका एवोल्यूशन हम लोग को देखने को मिल गया था। और ये एवोल्यूशन हुआ था बेलग्रेड में, आई थिंक मैंने आपको बता दिया होगा, बेलग्रेड में इसका 1961 में फाउंडेशन हुआ था, राइट? और इसके पांच प्रिंसिपल्स जो है पंचशील के वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरनिटी, सभी जो कंट्रीज हैं उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरनिटी की रिस्पेक्ट की जाए सभी की, राइट? और दूसरी, नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर मिलिट्री एंड इंटरनल अफेयर्स, कि चाहे कुछ हो जाए, कंट्रीज एक दूसरे की कंट्री के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है, इंटरनल प्रॉब्लम्स, तो आपको जो है वो इन्वॉल्व नहीं होना है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है, इंडिया के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि फॉर वेरियस प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें स्टेट्स वगैरह की, सेपरेशन ऑफ स्टेट्स की अगर हम लोग बात करें, इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम चल रही होती है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे होते हैं, तो ये बोला गया कि किसी भी कंट्री की जो इंटरनल प्रॉब्लम है, तो उन प्रॉब्लम्स को जो है वो यहाँ पर उठाया ना जाए, जितने भी मिलिट्री मुद्दे हैं या इंटरनल अफेयर्स वगैरह, उसको उठाया ना जाए। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, सभी लोग जो है वो एक दूसरे के साथ एग्रेशन क्रिएट नहीं करेंगे, आपस में किसी प्रकार का मन मुटाव जो है वो नहीं रखेंगे सभी कंट्रीज। इक्विटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, सभी लोग मिलकर जो है वो काम करेंगे, एक दूसरे के बेनिफिट के लिए काम करेंगे, राइट? जिसमें ट्रेड एक मेजर इशू फैक्टर हम लोग को देखने को मिलता है। पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, पीसफुल तरीके से इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेंगे, तो ये वाली बात यहाँ पर बताई गई। तो दीज आर द फाइव प्रिंसिपल्स, फाइव बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील, जिसके ऊपर बेस्ड हम लोग को नाम देखने को मिलता है नॉन अलाइंग मूवमेंट, राइट? एंड द नॉन अलाइंग मूवमेंट इमर्ज फ्रॉम इंडियाज इनिशिएटिव, इंडिया का ही इनिशिएटिव है जो मैंने भी आपको बताया, राइट? और एक तरह की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी जो है ये बनाई गई है इस पर्टिकुलर नाम के द्वारा, कि ना यूएसए को सपोर्ट किया, ना यूएसएसआर को सपोर्ट किया, ना उसके अपोज गए, है ना? एंड द इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी वॉज बेस्ड ऑन सॉलिड मॉरल एंड साउंड पॉलिटिकल फाउंडेशन। तो सॉलिड मॉरल और साउंड पॉलिटिकल फाउंडेशन के ऊपर बेस ये इंडिपेंडेंट पॉलिसी, यानी कि यही जो पांच चीज़ें बताई गई है, तो यही तो मॉरली और पॉलिटिकली भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी पॉलिसीज हैं। यानी कि पॉलिटिकली मतलब आप पॉलिटिकल इंटरनल अफेयर्स के ऊपर एक दूसरे के आप नहीं जाओगे, उसके बारे में डिस्कस नहीं करोगे। मॉरल की यहाँ पर बात की जा रही है, यानी कि आप एक दूसरे की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरनिटी के ऊपर जो है वो रिस्पेक्ट करोगे, एग्रेशन नहीं करोगे। तो दीज आर सम काइंड ऑफ मॉरल थिंग्स, मिक्सचर ऑफ मॉरल एंड पॉलिटिकल फाउंडेशंस, साउंड मॉरल एंड पॉलिटिकल फाउंडेशन, है ना? तो ये मिक्सचर एक तरह का, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आप मेंस में उपयोग कर सकते हैं।
तो नाम ने इंडिया को कैसे बेनिफिट किया गाइस? तो देखो, कोल्ड वॉर के समय पे ना हमने जो है वो किसी को सपोर्ट किया, क्योंकि हम जानते हैं कि दोनों ही कंट्री जो है वो काफ़ी पावरफुल कंट्रीज थी और ऑलरेडी इंडिया जो है वो ब्रिटेन का शिकार बन चुका था। तो इंडिया को पता था अच्छे से कि अगर ये किसी का सपोर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं से किसी और की तरफ से इंडिया के ऊपर थ्रेट ना आ जाए, और इंडिया वॉज इमर्जिंग इकोनॉमी, डेवलप हो रही थी इंडिया। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इंडिया ने जो है वो सोचा कि हम जो है वो न्यूट्रल रहेंगे। एंड डीकोलोनाइजेशन, जैसे आज की रेट में अगर हम लोग बात करें और इंडिया के पर्सपेक्टिव की बात करें, जैसे मैंने वही आपको ब्रिटेन का एग्जांपल दिया था, तो डीकोलोनाइजेशन पर इंडिया बिलीव करती है। अपार्थीड, जो इस प्रकार के जो डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, अपार्थीड जो शब्द है वो साउथ अफ्रीका से आया है, रेसिज्म के ऊपर बेस्ड ये शब्द है, राइट? तो अपार्थीज़म को जो है वो एंड करने पर फोकस किया। ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट, कि न्यूक्लियर को जो है वो डिसआर्म किया जाए ग्लोबल, पूरे ग्लोबल लेवल से। और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड इंफॉर्मेशन ऑर्डर्स जो है वो डेवलप करने पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला इंडिया को नाम के थ्रू। एंड सॉफ्ट पावर लीडरशिप मिली, क्योंकि इंडिया का ये इनिशिएटिव था तो इंडिया एज अ लीडर इमर्ज होकर आया। इंडिया डेवलपिंग कंट्री थी और ये एज अ लीडर इमर्ज होकर आने के चलते कई सारी कंट्रीज ने जो है वो इंडिया को फॉलो कर लिया, इंडिया के इस इनिशिएटिव को, नाम को। एंड जब फॉलो किया तो ऑब्वियसली बात है कि इंडिया का ये इनिशिएटिव है, इंडिया जो है वो वर्ल्ड लेवल पर लीड करने लगा, रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो इंडिया को एज अ लीडर रिकॉग्नाइज करने लगी। तो दैट इज़ द ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर इंडिया फ्रॉम नाम। तो ये इस प्रकार से नाम के द्वारा इंडिया को बेनिफिट मिला। बैलेंस्ड फ्रेंडशिप, तो देखो हमने ना ही किसी के दुश्मन बने ना किसी के दोस्त बने, हम यूएसए के साथ भी जो है वो अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं, यूएसएसआर रशिया के साथ भी अपने अच्छे रिलेशनशिप जो है वो मेंटेन कर लेते हैं, राइट? तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक बैलेंस फ्रेंडशिप वाली अप्रोच, डिप्लोमेटिक अप्रोच जो है वो हम लोग ने अपनाई इस नाम के थ्रू। तो नाम जो है वो एज अ मतलब ग्लोबल लेवल पर एक डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी भी आप इसको लिख सकते हैं, कि ये इंडिया की बहुत ही फाइन डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी रही है इंडिया के पास्ट की। और गाइस, नाम की अथॉरिटी आज की रेट में क्यों इरोड हो रही है, तो क्या प्रॉब्लम चल रही है जिसके चलते नाम को रीस्ट्रक्चर करने की बात करी है? अभी ये सजेशन आया ना इंडिया की तरफ से, तो उसका आंसर यहाँ पर है। तो देखो गाइस, जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद हम लोग को यूनिपोलर वर्ल्ड देखने को मिला। अब यूएसए का पावर जो है, दबदबा जो है वो बन गया, और आज की रेट में जो ट्रेंड जो शुरू हो गया है वो मल्टीपोलारिटी का हो गया। आज की रेट में सभी कंट्रीज जो है वो इमर्ज होकर बड़ी बनना चाह रही हैं। जैसे कि वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल इज चाइना, हमारी नेबरिंग कंट्री है। चाइना ने क्या किया गाइस, चाइना ने बॉर्डर रोड इनिशिएटिव अपना लेकर आ गई, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, जिसके चलते यूएसए जो है वो काफ़ी परेशान है। यूएसए को लग रहा है कि बीआरआई के थ्रू यूएसए का दबदबा खत्म हो जाएगा। इवन G7 की एक कंट्री के द्वारा बीआरआई को जो है वो ज्वाइन कर लिया गया है। G7 की, ग्रुप ऑफ सेवन नेशन की एक कंट्री ने बीआरआई को ज्वाइन कर लिया। कौन सी कंट्री है वो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखकर बताओ, राइट? तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार बता चुका हूं मैं। तो उससे क्या हो रहा है कि यूएसए को क्या लगने लगा है अब, कि यार बीआरआई के थ्रू चाइना जो है वो पूरी मतलब टोटल तीन नेशंस में, तीन कॉन्टिनेंट्स में, एशियन, अफ्रीकन और यूरोपियन, तो ये तीन मेजर कॉन्टिनेंट्स में जो है वो अपना दबदबा क्रिएट कर लेगा और यूएसए की वैल्यू जो है वो खत्म हो जाएगी एज अ सुपर पावर, और ये पावर जो है वो चाइना की तरफ चली जाएगी। तो एवरी कंट्री जो है वो फाइट कर रही है इमर्ज होने के लिए, कि बड़ा बनने के लिए, इकोनॉमी को अपनी डेवलप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। और इसीलिए हम लोग को यूएसए और चाइना के बीच में जो है वो ट्रेड वॉर भी जो है वो देखने को मिला है, राइट? तो ये एक इशू जो है वो ग्लोबल लेवल पर एट प्रेजेंट जो है वो चल रहा है, मल्टीपोलारिटी, राइट? और नाम का रिलेवेंस जो है वो अभी देखने को ही नहीं मिल रहा, क्योंकि नाम क्यों बनाई गई थी, एज ए न्यूट्रल रहने के लिए, बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने, और इवन अगर हम लोग बात करें इजिप्ट की, जो कि फाउंडिंग मेंबर थी इसकी, नाम की अगर हमने बात करी, पांच मेंबर्स के बारे में भी हमने बात करी थी, तो हमने डिस्कस किया था कि फाइव कंट्रीज हैं जिसमें से इजिप्ट भी एक कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है जो कि फाउंडिंग मेंबर है, जिसने फाउंडेशन किया था नाम का, उसने नाम की मेंबरशिप जो है वो छोड़ दी है। तो दैट इज द मेजर कंसर्न, अरब स्प्रिंग के बाद इसने मेंबरशिप छोड़ दी अपनी। तो कहीं ना कहीं से जो ऑब्जेक्टिव जो था नाम का वो फुलफिल हो ही नहीं पा रहा है, तो इसीलिए बोला गया है कि इसको रीस्ट्रक्चराइज किया जाए, इसको री एग्जामिन किया जाए, राइट? और नाम जो है वो रिफॉर्म वगैरह नहीं ला पा रही है ग्लोबल बॉडीज में, अगर हम लोग बात करें यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब एक सही जिस लेवल की ये ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए उस लेवल तक जो है ये अपने अचीव नहीं कर पा रही, क्योंकि पूरी सिनेरियो जो है वो चेंज हो चुका है 1991 के बाद से हम लोग को देखने को मिला। और ये जो है वो इजिप्ट की लोकेशन आप देख लो, ये इजिप्ट की लोकेशन है जिसने अभी छोड़ा है इसको। और अभी रिसेंटली यूएसए और इजिप्ट के बीच में भी टकरार हो गई थी, आपको याद आ रहा होगा, S-400 जो है, सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो इजिप्ट ने रशिया से परचेज कर लिया है, इससे डील कर ली है, और इसके चलते यूएसए जो है वो बोल रहा है, इजिप्ट को धमकियां दे रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर जो है वो सैंक्शन लगा दूंगा। काट्सा के बारे में हमने बात करी थी, आपको याद आ रहा होगा, तो राइट? तो ये भी ये एक करंट अफेयर से रिलेटेड एक टॉपिक है। और इसी के बगल में इसराइल भी हम लोग को देखने को मिलता है, यहाँ पर गाजा स्ट्रिप है,
जो कि काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल लोकेशन ये है काफ़ी समय से, गाजा स्ट्रिप है ना। तो ये है गाइस इजिप्ट की लोकेशन, यहीं पर ही हम लोग को स्विस कैनाल देखने को मिलता है और रेड सी भी यहीं पर ही है, तो ये लोकेशन थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। नाइल नदी जो है वो यहाँ से बहती है इजिप्ट में, नाइल राइट। और इनके जो मेंबर हैं गाइस नाम के, ये भी काफ़ी वीक हैं इकोनॉमिकली, तो और इनका जो है वो ग्लोबल लेवल पर दबदबा नहीं है इनके मेंबर्स वगैरह का नाम के, तो इसीलिए बोला गया है कि नाम जो है वो प्रोडक्टिवली परफॉर्म जो है वो नहीं कर पा रहा, दैट्स वाई आज की रेट में नाम को रीस्ट्रक्चराइज करने की आवश्यकता है, री एग्जामिन करने की आवश्यकता है और उसकी मेथोडोलॉजी को दोबारा से रिवाइज करने की आवश्यकता है। तो ये जो टॉपिक था गाइज ये नाम से रिलेटेड था, आई होप कि आपको पूरी चीज़ क्लियर हो गई होंगी इस आर्टिकल से रिलेटेड। दोस्तों बात की करेंगे हम लोग शिमला एग्रीमेंट के बारे में। तो गाइज ये शिमला एग्रीमेंट किनके द्वारा साइन किया गया था, जो हमारी इंडियन प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जो थे जुल्फिकर अली भुट्टो, तो इन्होंने 1972 में शिमला एग्रीमेंट को जो है वो साइन किया था। इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था 1971 में, तो उस वॉर को एंड करने के लिए, ख़त्म करने के लिए शिमला एग्रीमेंट जो है वो प्लेस किया गया था राइट। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू विड्रॉ ऑफ ट्रूप्स एंड एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर ऑफ वॉर। तो जो प्रिजनर ऑफ वॉर हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं जो कि पाकिस्तान में कैद हो गए हैं, और जो पाकिस्तानी जो सोल्जर्स थे जिनको हमारी प्रिजन में कैद कर लिया था, तो उनको छोड़ने के लिए ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट जो है वो लाया गया था, और एक शांति बरकरार रखने के लिए इन दोनों इंडिया और पाकिस्तान मिलकर जो है वो अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन करें और ये वॉर वगैरह जो है उसको ख़त्म करें, तो उसके लिए शिमला एग्रीमेंट जो है वो लाया गया था। तो ये वाली चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा शिमला एग्रीमेंट से रिलेटेड। और न्यूज़ में ये टॉपिक हम लोग को क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि गाइस बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी आपको याद आ रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानी जो प्राइम मिनिस्टर हैं इरफान खान, तो इनकी अभी रिसेंटली मीटिंग हुई है, तो इसी मीटिंग के बाद जो है वो थोड़ा सा कश्मीर इशू के मुद्दे के ऊपर भी जो है वो बातचीत हुई थी, तो उसके चलते डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि मैं जो है वो सामने आऊँगा और मैं इनके जो कश्मीर को लेकर जो मुद्दा चल रहा है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उस मुद्दे को जो है वो मैं सॉल्व करूँगा। और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोल दिया था कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के मोदी, तो उन्हें मुझसे रिक्वेस्ट करी थी कि इस मुद्दे को जो है वो सॉल्व किया जाए, तो बट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो उन्होंने बोला कि मैंने ऐसी कोई रिक्वेस्ट ही नहीं करी थी। तो इंडिया रिफ्यूटेड द यूएस प्रेसिडेंट्स क्लेम, क्योंकि यूएसए के प्रेसिडेंट ने क्लेम किया था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व किया जाए, तो ये ऐसा बोला था, बट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि भाई मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं आपको कश्मीर के मुद्दे को सॉल्व करने के लिए। और हमारा जो रिस्पांस है वो एट प्रेजेंट ये है कि कश्मीर का मुद्दा जो है वो तभी सॉल्व हो पाएगा जब पाकिस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्टिविटी को बंद कर देगा अपनी। तो ये एट प्रेजेंट ये हमारा जो स्टैंड है पाकिस्तान को लेकर वो यही है कि पाकिस्तान जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक्टिविटी कर रहा है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व जो है, जब तक पाकिस्तान पूरी तरह से टेररिस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में और टेररिज्म से रिलेटेड एक्टिविटी में एक्टिविटी अपनी जो है वो ख़त्म नहीं करता है, तब तक हम उससे किसी भी प्रकार की डील नहीं करेंगे राइट। तो ये एक मेजर मुद्दा है इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच का। और शिमला एग्रीमेंट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1972 में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अच्छे रिलेशन मेंटेन करने के लिए, और जो 1971 का वॉर जो था वो ख़त्म करने के लिए और पीसफुल रहने के लिए इस एग्रीमेंट को साइन किया गया था। इसमें एक मेन जो क्लॉज था गाइस वो ये था कि एग्रीमेंट वुड अलाउ फॉर अ न्यू बिगनिंग इन रिलेशन विद पाकिस्तान बेस्ड अपॉन पाकिस्तान एक्सेप्टेंस ऑफ द न्यू बैलेंस ऑफ पावर। एंड तीसरा मुद्दा ये था कि पॉसिबिलिटी ओपन ये करी थी कि दोनों कंट्री के बीच में जो मुद्दे जो चल रहे हैं वो तभी अचीव होंगे जब पाकिस्तान जो होगा वो एंटी इंडियन रिजीम जो है वो छोड़ देगा राइट। तो अब हो क्या रहा है, हम लोग ने शिमला एग्रीमेंट के ही क्लॉज को, इसी एग्रीमेंट को ही जो है वो सामने रखा है। इंडिया का स्टैंड जो है वो इसी एग्रीमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि इस एग्रीमेंट का जो तीसरा ऑब्जेक्टिव जो है वो यही कहता है कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन तभी मेंटेन होंगे जब पाकिस्तान एंटी इंडिया रिजीम को छोड़ देगा राइट। बट पाकिस्तान क्या कर रहा है, बार बार टेररिस्ट एक्टिविटीज करवा रहा है इंडिया के अंदर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करवा रहा है, तो उसके चलते हम लोग जो है वो इसी एग्रीमेंट को फॉलो कर रहे हैं। दैट्स वाई जो हमारे मोदी जी जो है उनका रिस्पॉन्ड जो था वो शिमला एग्रीमेंट को लेकर ही था। तो इसीलिए आपको शिमला एग्रीमेंट भी साइमल्टेनियसली पढ़ना है कि इस एग्रीमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव थे और क्यों हम लोग जो है वो एट प्रेजेंट पाकिस्तान के साथ जो है वो डील नहीं कर रहे, क्यों डोनाल्ड ट्रंप को अलाउ नहीं कर रहे कि वो कश्मीर के मुद्दे को जो है वो सॉर्ट आउट करे। द रीजन इज द थर्ड पॉइंट एंड द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर शिमला एग्रीमेंट। समझ में आ रही है आपको बातों को? शिमला एग्रीमेंट कब साइन हुआ था, तो 1972 ईयर जो है वो याद रखिएगा, डेट याद मत भी रखो बट थोड़ी बहुत ईयर याद रखिएगा इजी तरीके से ईयर याद रखने के लिए कि 1971 में पाकिस्तान इंडिया वॉर हुआ था और उसके बाद 1972 में ये एग्रीमेंट साइन किया था फॉर पीसफुल पर्पस राइट, कि पीस जो है वो दोनों कंट्री के बीच में बरकरार है राइट। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड, आई होप कि आपको चीज़ें पूरी क्लियर हो गई होंगी। और ये फोटो है उस समय की, जुल्फिकर अली भुट्टो और इंदिरा गांधी जी की हम लोग को देखने को मिल रही हैं।
जो एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं. अब देखिए, अब बात कर लेते हैं काला अजहर के बारे में. तो गाइस, काला अजहर जो है वो काफी खतरनाक डिजीज हम लोग को देखने को मिलती है, बीमारी है एक तरह की है. इसको विसरल लेशमैनियोसिस जो है वो बोला जाता है, विसरल लेशमैनियोसिस, राइट. इट इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ लेशमैनियोसिस एंड विदाउट प्रॉपर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट गेट्स एसोसिएटेड विद हाई फर्टिलिटी. अगर इसको प्रॉपर ट्रीट नहीं किया जाएगा तो मृत्यु के चांसेस जो है, डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, फर्टिलिटी, राइट. और वी एल इज ऑल्सो नोन एज काला अजहर, ब्लैक फीवर, या फिर इसको डमडम फीवर भी बोला जाता है. तो ये तीन जो टर्म्स हैं इस वी एल के, विसरल लेशमैनियोसिस के, तो वो आप थोड़े से टर्म याद रखिएगा. और ये कैसे होता है गाइस, तो एक प्रोटोजोअन के चलते होता है, एक पैरासाइट होता है, यानी कि मच्छर वगैरह जो होता है उसके काटने से हो जाता है ये. सैंड फ्लाई भी जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसके काटने से जो है ये इस प्रकार से हो जाता है, ये सैंड फ्लाई है, राइट. और ये जो है प्रोटोजोअन पैरासाइट जो होता है, जिसमें लेशमैनियल जीनस जो होता है तो उसके काटने से हो जाता है. और उसके चलते हमारा लीवर जो होता है, स्प्लीन जो होता है, स्प्लीन बेसिकली ये आप देख सकते हैं, ये वाला एरिया जो आपको दिखाई दे रहा है स्टमक के ऊपर वाला यहाँ पर, तो ये स्प्लीन इसको कहते हैं. तो स्प्लीन जो है गाइस, जो कि विसरल, जिसको बायोलॉजिकल टर्म में बोला जाता है, इसलिए इसका नाम ही विसरल लेशमैनियोसिस जो है वो कहा जाता है, लेशमैनियासिस या लेशमैनियोसिस भी जो है वो उसको बोलते हैं, राइट. और बोन मैरो को जो है वो इफेक्ट करता है ये, तो डायरेक्ट लिवर किडनी वगैरह, क्योंकि ये जो स्प्लीन जो है वो किडनी के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, तो लिवर किडनी और बोन मैरो को जब ये इंपैक्ट कर देता है तो ऑब्वियस ही बात है कि इंसान की मरने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं. तो यही इसका रीज़न है. और इसके साइंस और सिम्टम्स हैं फीवर, वेट लॉस, फटीक, एनीमिया, सब्सटेंशियल स्वेलिंग ऑफ लिवर एंड स्प्लीन, तो किडनी और लिवर वगैरह जो है वो स्वेल होने लगते हैं इसमें, तो ये एक इशू है. और अभी न्यूज़ में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि एक स्टडी के द्वारा ये कहा गया है कि जो काला अजहर के पेशेंट होते हैं, अगर उनका ट्रीटमेंट भी हो जाए तो भी वो एज अ कैरियर की तरह जो है वो काम करते हैं, यानी कि दूसरे लोगों को ये इन्फेक्ट कर सकते हैं. तो ये एक मेजर कंसर्न आज की डेट में सामने आ रहा है. और काला अजहर गाइस इंडिया, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, तो ये फोर कंट्रीज़ के नाम याद रखिएगा. इन चार कंट्रीज़ में इसके केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं काला अजहर के. टोटल 119 डिस्ट्रिक्ट्स इन चार कंट्रीज़ की इफेक्ट हो गई हैं काला अजहर के चलते. और ये डिजीज़ जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट पैरासिटिक किलर है पूरी दुनिया भर में, यानी कि मच्छर और इस प्रकार के मॉस्किटोज़ वगैरह होते हैं, पैरासाइट्स वगैरह होते हैं, तो उनके काटने से जो मृत्यु होती है, तो वो ये सेकेंड लार्जेस्ट मृत्यु इन्हीं इसकी पैरासिटिक किलर की काला अजहर के चलते देखने को मिलती है. तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, समझ रहे हो बातों को. तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक काला अजहर से रिलेटेड. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा. दोस्तों, इस आर्टिकल की बात करें तो बताया जा रहा है कि 2018 से इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन में बहुत तेज़ी से ग्रोथ जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है एज कम्पेयर टू डिपेंडेंट पॉपुलेशन के मुकाबले. तो वर्किंग एज पॉपुलेशन जो होती है गाइज, वो कौन सी होती है कि वो लोग जो 15 साल से 64 साल की उम्र के बीच में रहते हैं, 15 टू 64 ईयर्स की उम्र जो होती है वो वर्किंग एज उम्र जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है, वर्किंग एज पॉपुलेशन, राइट. तो यही चीज़ याद रखिएगा, वर्किंग एज कौन सी होती है, 15 टू 64 ईयर्स. और डिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन सी होती है कि जो बच्चे होते हैं 14 साल की उम्र के से कम के, और जो बुजुर्ग लोग होते हैं 65 ईयर्स की उम्र प्लस के, तो वो डिपेंडेंट होती है पॉपुलेशन, क्योंकि वो डिपेंडेंट होते हैं. बट गाइस, ये कहना जो है होगा वो एथिकली सही नहीं होगा, बट इट इज़ वेरी ट्रू कि जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन होती है वो गवर्नमेंट के लिए एज अ बर्डन हम लोग को देखने को मिलती है. और इंडिया की बात करें अगर डिपेंडेंट पॉपुलेशन को लेकर, एल्डर एज पॉपुलेशन को लेकर, तो आप लोग सभी जानते हैं जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं, कई सारे आर्टिकल्स में हमने डिस्कस किया हुआ है कि आने वाले समय में इंडिया कि एल्डरली पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होने वाली है. तो इसके लिए गवर्नमेंट वेरियस स्कीम्स जो है वो लेकर आ रही है. और इवन इकोनॉमिक सर्वे जो अभी एट प्रेजेंट हम लोग को देखने को मिला था, तो उसमें भी एक सजेशन दिया गया था कि गवर्नमेंट जो है उसको रिटायरमेंट एज को एक्सटेंड करना पड़ेगा और वेरियस जॉब्स जो है वो लानी पड़ेगी फॉर एल्डर पीपल. तो ये एक शॉर्ट रिविजन जो है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए. बाकी ये वाला जो आर्टिकल है ये बेसिकली वर्किंग एज पॉपुलेशन से रिलेटेड है कि इंडिया की वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो 37 सालों तक हम लोग को देखने को मिलने वाली है, यानी कि 2055 तक इंडिया में वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी. तो ये एक तरह से बेनिफिट भी है, बट यस लॉस भी है. कैसे लॉस है, क्योंकि आज की डेट में इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, और इंडिया अगर प्रॉपर जॉब्स नहीं निकाल पाई, प्रॉपर जॉब जनरेट नहीं कर पाई, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन के होने का कोई मतलब नहीं होगा. और अल्टीमेटली अगर वर्किंग एज पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड रहेगी तो देन टू वो गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन जो है वो क्रिएट कर सकती है. समझ रहे हैं आप बातों को. तो ये भी आप सिनेरियो अपने मेंस में इस प्रकार से उपयोग करेंगे. तो ये चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के एट प्रेजेंट, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब जनरेशन जो है वो इज द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडियन गवर्नमेंट. क्योंकि रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यही बताया जा रहा है कि 2055 तक वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी.
राइट और सिग्निफिकेंस बात करें हम लोग इसके बारे में तो गाइज ये वर्किंग एज पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि हम लोग को देखने को मिल रहा है टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उसमें गिरावट आई है. टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होता है तो ये भी याद रखना आप कि एक वुमेन अपने लाइफ टाइम में कितने बच्चों को बर्थ दे सकती है तो वो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट. तो ऑन एन एवरेज टोटल फर्टिलिटी रेट में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है और साथ ही साथ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो लोगों की स्टेबल हुई है बिकॉज ऑफ वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. तो मेडिसिन होना, वैक्सीनेशन होना और वेरियस मेडिकल फैसिलिटीज़ के चलते लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ गई है और वुमेंस के बर्थ रेट जो है वो डाउन हुए हैं तो उसके चलते ये वर्किंग एज पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज़्यादा हम लोग को देखने को मिल रही है. और गाइस कई सारी एशियन कंट्रीज़ हैं जैसे कि जापान, चाइना, साउथ कोरिया, यहाँ पर भी इन्होंने डेमोग्राफिक डिविडेंड का उपयोग किया था और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा डिफाइन किया गया है डेमोग्राफिक डिविडेंड को कि ग्रोथ पोटेंशियल दैट रिजल्ट फ्रॉम शिफ्ट इन अ पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर, की पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर का जो शिफ्ट होता है वही डेमोग्राफिक डिविडेंड हम लोग को देखने को मिलता है. और टोटल फर्टिलिटी रेट की अगर बात करें तो देखो इसके बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया के अंदर 22 राज्यों में टोटल फर्टिलिटी रेट जो है उसमें डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिला है. 2013 और 16 के बीच में 2.3 जो था वो टोटल फर्टिलिटी रेट था और 2017 में 2.2 टोटल फर्टिलिटी रेट है. तो टोटल फर्टिलिटी रेट का मैंने आपको बता ही दिया है मतलब कि एक महिला जो होती हैं वो अपने पूरे साइकिल में यानी कि रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है उनकी रिप्रोडक्टिव स्पैन जो होता है 15 साल से 49 उम्र के बीच में वो बेबी को जो बर्थ दे सकती हैं तो उस पर्टिकुलर स्पैन में जो महिला जितने बच्चों को देती हैं बर्थ तो उस हिसाब से ऑन एन एवरेज के हिसाब से ये टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो डिसाइड किया जाता है. और टोटल फर्टिलिटी रेट अर्बन और रूरल एरियाज़ में वेरी करता है जहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों अर्बन और रूरल एरिया में टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो आधा हो चुका है. राइट तो ये भी एक तरह की एक अच्छी अचीवमेंट भी इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखने को मिलती है हम लोग को पॉपुलेशन कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि इंडिया जो है वो अल्टीमेटली पॉपुलेशन कंट्रोल करने में अचीव कर रहा है इंडिया ने. क्योंकि देखो आप रेट फिगर्स देखकर समझोगे 1971 में अगर हम लोग अर्बन एरियाज़ की बात करें तो 4.1 टोटल फर्टिलिटी रेट था यानी कि एवरेज की बात करूं तो चार बच्चे जो है वो एक महिला 1971 में बर्थ देती थी चार बच्चों को. और वहीं अगर हम लोग एट प्रेजेंट की अगर बात करें तो ये 1.7 जो है वो हो चुका है 1.7 यानी कि एक महिला आज की डेट में ऑन एन एवरेज दो बच्चों को जन्म दे देती है. तो ये बहुत बड़ा एक पॉपुलेशन कंट्रोल का ही अचीवमेंट है. अगर आज की डेट में भी अगर फोर बच्चे जो होते बर्थ हम लोग को देखने को मिलता तो पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा हो जाती हमारे यहाँ. राइट और पॉपुलेशन ज़्यादा होना और वो भी बहुत मेजर नुकसान है और रिसोर्सेज नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पॉवर्टी और ये सब डायरेक्टली लिंक्ड हम लोग को देखने को मिलती हैं जो कि हम लोग ने पहले भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में. रूरल एरियाज़ की बात करें, ये तो अर्बन एरिया की बात हो गई, तो रूरल एरिया में 5.4 यानी कि लगभग पाँच बच्चों का जन्म हुआ करता था रूरल एरियाज़ में भी. और पहले के समय में पाँच से ज़्यादा बच्चे बोल सकते हैं हम लोग. और अब जो है जो 2.4 ही हम लोग को देखने को मिल रहा है रूरल एरियाज़ में, तो यहाँ पर भी आधा हो चुका है. बट यहाँ पर स्टेट टू स्टेट भी वेरिएशन देखने को मिले. अगर हम लोग बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के अंदर और तमिलनाडु के अंदर ये 1.6 हो गया है. और वहीं अगर बिहार की बात करें तो बिहार में आज भी ज़्यादा है, तो बिहार में बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा है. राइट और इन सब चीज़ों को जैसे यहाँ पर स्टेट टू स्टेट जो है वो वेरिएशंस लिखे हुए हैं बट इतना आपको डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है. आपको ये पता होना चाहिए कि टोटल फर्टिलिटी रेट्स अर्बन और रूरल एरियाज़ में आधा हो गया है. और इसका आधा होने का मेजर जो रीज़न जो बताया गया है वो बताया गया है लिटरेसी. बोला है कि लिटरेसी जो है वो सबसे मेजर रीज़न है. हायर एजुकेशन हुई है, मोबिलिटी इंक्रीज हुई है, लेट मैरिज जो है, राइट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट वुमेन जो हम लोग को देखने को मिल रही हैं, तो ये सब मेजर कारण है जिसके चलते टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो गिरा है. राइट पहले के टाइम पर क्या हुआ करता था कि वुमेन जो थी वो इंडिपेंडेंट नहीं थी, डिपेंडेंट हुआ करती थी. राइट तो वो भी एक इशू हुआ करता था. आज की डेट में फाइनेंशियली स्ट्रांग है वुमेन. राइट तो वो अपने हिसाब से अपने डिसीजन ले लेती हैं, उनको बेबी को बर्थ देना है कि नहीं देना है वो इंडिपेंडेंटली वुमेन का डिसीजन होता है. बट कई सारी ऐसी जगह यानी कि अभी मैंने बताया आपको स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, तो बिहार और इस प्रकार की जो छोटी जगह हम लोग को एजुकेशन लेवल पर जो देखने को मिलती है तो वहाँ पर आज भी ये इशू है. और यही बोला गया है कि जो बिहार जैसे एरिया में मैक्सिमम परसेंटेज इलिटरेट वुमेन का है वो है 26.8%. तो कहीं ना कहीं ये बोला गया है कि वुमेन की एजुकेशन जो है वो मैटर करती है फर्टिलिटी रेट्स के ऊपर. एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें आप मेंस में एजुकेशन का मुद्दा जो है वो उठा सकते हैं और टोटल फर्टिलिटी रेट को इस प्रकार से लिंक कर सकते हैं. और इससे गाइस पॉलिसी मेकर्स को जो है वो क्या फ़ायदा मिलेगा, तो देखो पॉलिसी मेकर्स जो है वो अपने हिसाब से अच्छी पॉलिसी जो है वो डेवलप करेंगे. हायर मेडिकल कॉस्ट
की जो है वो देखभाल करेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन एज जो है वो ज़्यादा होगी तो मेडिकल एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे, और इन फ्यूचर की भी अगर लेते हुए चलें हम लोग चीज़ों को, तो जैसे कि जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वगैरह जो है वो लानी पड़ेंगी, बेहतर सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कुछ दिनों पहले हम लोग ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम की और भी बात करी थी, और बुज़ुर्ग लोग जो है उनके लिए भी वेरियस स्कीम्स लानी पड़ेगी। इकोनॉमिक सर्वे में जैसे कि हम लोग ने देखा कि रिकमेंडेशन दिए गए हैं कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए जॉब्स जनरेट किया जाए, जो रिटायरमेंट जो एज जो है उसको बढ़ाई जाए। क्यों एज बढ़ाने की बात करी रिटायरमेंट एज? क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए जो डिपेंडेंट पॉपुलेशन जो होती है वो बर्डन हो जाती है, और इवन यूएसए कनाडा जैसी कंट्रीज हैं वहाँ पर ऑलरेडी रिटायरमेंट एज को जो है वो बढ़ाया जा चुका है, राइट? क्योंकि होता यह है कि इनके पास जो रिटायर हो जाते हैं उनके पास पेंशन जाती है, अब पेंशन जाती है तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का पैसा ही जाता है, टैक्स पेयर्स का पैसा जाता है, और कहीं ना कहीं जो टैक्स पेयर्स वगैरह होते हैं जब ये ज़्यादा बर्डन आता है गवर्नमेंट के ऊपर तो वो टैक्सेस वगैरह जो है वो इंक्रीज़ कर देती हैं, तो अल्टीमेट बर्डन जो होता है वो यंग टैक्स पेयर्स के ऊपर बनता है। तो ये भी पूरा एक सिनेरियो है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, जो सभी चीज़ आपको लिंक करते हुए ध्यान में रखते हुए जो है वो समझना है कंसेप्चुअली इन सब चीज़ों को, राइट? तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड। आई होप कि आपको चीज़ें जो मैंने समझाने की कोशिश करी वो एग्जैक्ट मुद्दे पर आपको बैठी होंगी, कि आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आपको डायरेक्टली इकोनॉमी से लिंक करना है, लिटरेसी से लिंक करना है, तो इस प्रकार से हम लोग को चीज़ों को देखना है, राइट? और ये ऐसे ही सच कर आपका आंसर जो है वो बनना चाहिए, क्योंकि यही डिमांड है आंसर्स की। और अब बात कर लेते हैं गाइस, तो बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है उन्होंने इंडिया की ग्रोथ फोरकास्ट को, यानी कि इंडिया के जीडीपी को जो है वो कम कर दिया है, डिक्रीज कर दिया है, रिड्यूस किया है। इन्होंने पहले बोला था कि ये 7.3 जो इंडिया की जीडीपी जो होगी उस हिसाब से ग्रो करेगी, मतलब इस परसेंटेज के हिसाब से, अब जो बोल रहे हैं कि वो 7% के हिसाब से ही इसकी ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी, राइट? और ये रिडक्शन इसलिए हुआ है क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड जो है गाइस वो रिड्यूस हुई है, वीक हुई है, हम लोग को देखने को मिल रही है डोमेस्टिक डिमांड। और अगर इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन की बात करें तो ये चार पिलर्स पर चलती है, चार पहियों पर चलती है एक इकोनॉमी इंजन जो होता है, तो वो होता है प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्सपोर्ट। तो ये फोर पिलर्स जो है वो बहुत अच्छे से याद रखो आप, कि जब तक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं बढ़ेगा, डोमेस्टिक डिमांड जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक इकोनॉमी जनरेट नहीं होगी, बड़ी नहीं होगी, राइट? क्योंकि देखो जब तक कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करेंगे तो कंजम्पशन इज द बिगेस्ट फैक्टर जिसके चलते इकोनॉमी चलती है। जैसे कि जब तक आप सामान नहीं खरीदोगे, परचेज नहीं करोगे, जब तक आप ऑटोमोबाइल और इस प्रकार की व्हीकल्स को परचेज नहीं करोगे, आप वेरियस चीज़ों को परचेज नहीं करोगे, तब तक चीज़ें मैन्युफैक्चर नहीं होंगी, तो ये साइकिल जो है वो रुक जाएगी। तो ये साइकिल डिपेंडेंट होती है कंज्यूमर साइड से, कि कंज्यूमर है जब तक वो परचेज नहीं करेंगे तब तक जो है वो पूरी आगे गाड़ी जो है वो बढ़ती नहीं। और आज की डेट में हम लोग यही देख रहे हैं कि महंगाई इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया कि लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें खरीदना बेचना जो है वो बंद कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल ऑटोमोबाइल, गाड़ियाँ जो है वो बिकना बंद हो गई, और उसके गाड़ियाँ बिकने के चलते ही कई इस बार का जो हमारा जीडीपी में जो नुकसान हुआ है उसका एक मेजर नुकसान, यानी कम जो हुआ है उसकी मेजर वजह जो है वो ऑटोमोबाइल भी सेक्टर भी मानी जाती है। अगर आप अच्छे से जो है वो पूरी चीज़ों का एनालिसिस करो हमारी इकोनॉमी को, तब आपको पूरी चीज़ें क्लियर होंगे, राइट? तो ये ऑटोमोबाइल भी याद रखिएगा। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, प्राइवेट जो एंटरप्राइजेस वगैरह जो है, एंटिटीज़ वगैरह हैं, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं। द रीज़न बीइंग इज़ कि, और इसीलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो तो आप चीज़ों को रिलेट करो, अभी जो रेपो रेट जो है उसको रिड्यूस किया गया है। क्यों रिड्यूस किया गया? द रीज़न बीइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बैंक से लोन लेकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें, राइट? अब रेपो रेट को रिड्यूस करने का डायरेक्ट मतलब यही है कि लोगों का इंटरेस्ट रेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, राइट? रिवर्स रेपो रेट भी रिड्यूस इसीलिए किया गया है कि जिससे किसी चलते कि बैंक अगर इमरजेंसी में बैंक को अगर पैसों की आवश्यकता पड़े तो बैंक तुरंत जो है वो आरबीआई से लोन जो है वो ले सके। तो ये तो सिनेरियो है ना पूरा इकोनॉमी का। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है वो एक्सपेंड नहीं कर पा रही है, और इसलिए गवर्नमेंट ने जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सरप्लस जो है वो मांगे हैं। अभी अभी आप लिंक करो चीज़ों को, कल परसों की लेक्चर में हमने बात करी थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट के बीच में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सरप्लस को लेकर जो इशू चल रहा है उस इशू को जो है वो टैकल अप करना है। तो यही हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट स्पेंड नहीं कर पा रही है, मार्केट में खर्चा नहीं कर पा रही है, राइट? और एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर भी हम लोग इसलिए आज की डेट में फोकस कर रहे हैं, हमारे लॉजिस्टिक सेक्टर को इम्प्रूव कर रहे हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट जो है वो क्यों बनाया गया है? इसी के लिए बनाया गया है कि जिसके चलते हमारे पोर्ट्स वगैरह जो है वो डेवलप हो सकें। एक्सपोर्ट पर फोकस कर रहे हैं कि हम लोग ने फोकस किया है कि 2021 तक जो एग्रो प्रोडक्ट्स जो है उसको हम लोग को डबल कर देना है, जिससे कि हम लोग 2022 तक फार्मर्स की इनकम को डबल करने का भी टारगेट अचीव कर लें, राइट? तो ये सब एक इशू है कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, हम लोग एक्सपोर्ट मार्केट में इन्वॉल्व हो सकें।
और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की जो रिपोर्ट होती है वो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा जो है वो रिलीज की जाती है. तो ये वाली चीज़ भी आप याद रखिएगा, राइट. तो ये है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक इससे रिलेटेड. आई होप कि आपको ये चारों पिलर्स अच्छे से समझ में आए होंगे कि क्यों इकोनॉमी में इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत पड़ती है. अब देखो, अब समझो, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, जिसको हम लोग ने कल भी बात करी थी, हमने भाभा कवच के बारे में परसों आई थिंक डिस्कस किया था कि भाभा कवच जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और मिधानी के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है. ये भाभा कवच जो कि AK-47 राइफल की गोलियों को भी जो है सह जाता है, यानी कि इस कवच को पहनने के बाद AK-47 भी इस कवच के ऊपर चलेगी तो भी जो सोल्जर होंगे उनको कुछ भी नहीं होगा, राइट. तो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा ही इस कवच को बनाया गया है. वेरियस जो वेपन्स वगैरह जो होते हैं, वेरियस मशीनरी होती है डिफेंस से रिलेटेड, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है वो बनाती है. तो अभी फोकस किया जा रहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को प्राइवेटाइज किया जाए, बट इसके लिए वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लिखा है, लेटर भेजा है कि गवर्नमेंट का जो ये इनिशिएटिव है जिसके चलते इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को प्राइवेटाइज करने की जो बात की जा रही है वो ना की जाए, उसको इन्होंने अपोज किया कि मत करो आप ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को प्राइवेटाइज. तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड क्या है गाइस? तो ये मैंने भी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताई दी है कि मिलिट्री वेपन्स एम्यूनेशन और जो ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं डिफेंस से रिलेटेड वेरियस जो चीज़ें होती हैं तो वो ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाती है. इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है. 1775 में इसका फाउंडेशन हुआ था. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो है वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हम लोग को देखने को मिलती हैं और इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गवर्नमेंट सेटअप फॉर मैन्युफैक्चरिंग आर्म्स एंड एम्यूनेशन. तो वो मैंने आपको बताई दिया. अब इसको जो प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है, प्राइवेट करने की बात की जा रही है, तो उसके फ़ायदे क्या हैं? तो प्राइवेट करने से गाइज इसकी एफिशिएंसी तो इंक्रीज होगी, ये वाली बात बताई जा रही है. बेहतर तरीके से और अच्छे मॉडर्नाइज वेपन्स वगैरह जो है ये बनाएगी, वेपन्स और एम्यूनेशन हम लोग को देखने को मिलेगा. प्राइवेट सेक्टर के द्वारा इंकरेजमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर. मेक इन इंडिया स्कीम को जो है ये बूस्ट करेगी. नई नई जॉब्स और इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा हम लोग को देखने को मिलेगी क्योंकि एफिशिएंटली काम करेगी, अच्छे से काम करेगी. प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मेजर मोटिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, राइट. और बेहतर तरीके से ये कंट्रीब्यूट करके काम करते हैं जिसके चलते ही वो जल्द से जल्द जो है वो वेरियस वेपन्स वगैरह जो है वो बना पाए, राइट, एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर. तो ये इसके फायदे हैं. डिसइन्वेस्टमेंट करने से, यानी कि इसको प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने से गवर्नमेंट के पास पैसा आ जाएगा, रेवेन्यू गवर्नमेंट अर्न कर लेगी. बट मेजर इशू इज गाइस कि डिफेंस की इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग होगी अगर हम किसी ऐसी चीज़ को, यानी कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग जो है वो काफ़ी मेजर चीज़ है, इस चीज़ को अगर हम लोग किसी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट एंटिटी के हवाले कर दें, उनके कंट्रोल में कर दें, तो ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के इंटरेस्ट के खिलाफ हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, किसी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे वेपन्स वगैरह को लेकर. और ये वही गलती हो जाएगी जो सब्सिडरी अलायंस की गलती थी. सब्सिडरी अलायंस जो था, जिस राजाओं वगैरह ने सब्सिडरी अलायंस जो है वो एक्सेप्ट किया, क्यों किया? एक तो देखो, दो कारण थे. एक तो प्रेशर भी था और दूसरा एक कारण था, हमारे यहाँ के राजा जो थे उस समय के जो रूलर्स वगैरह थे वो रंगीले हो गए थे बहुत बुरी तरह से. वो उनको कोई मतलब ही नहीं था, वो बस हाथ में जो है वो जाम लिए एंजॉय कर रहे थे, म्यूज़िक सुन रहे थे, नाच वगैरह देख रहे थे. उन्होंने फोकस ही नहीं किया. उनको जब ब्रिटिशर्स ने घुमा फिरा के ये बोला कि आपको मिलिट्री रखने की आवश्यकता नहीं है, आप हमें सिर्फ पैसा दो, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, तो उन्होंने बोला हाँ भाई कर लो. वो ये भूल ही गए कि मिलिट्री बेस बनाने का मकसद जो था ब्रिटिशर्स का, वो ये था कि वो कंट्रोल कर सकें एक टेरिटरी के ऊपर, राइट, ना कि उस पर्टिकुलर रूलर को प्रोटेक्ट करने से. तो वही चीज़ यहाँ पर भी वही गलती हो जाएगी. रिलेट करो आप चीज़ों को. अगर किसी प्राइवेट इंडस्ट्री को ऐसी जो चीज़ें दे दी जाए प्राइवेट कंपनी को, तो आप डिपेंडेंट हो जाओगे वेपन्स को लेकर. अगर वेपन हमारे हमको चाहिए तो इन फ्यूचर प्राइवेट कंपनी जो है वो अपने हिसाब से अपनी मोनोपोली जो है वो एस्टैब्लिश कर सकती हैं, राइट. बट यस, गवर्नमेंट सेक्टर की बात है तो गवर्नमेंट जो है वो अपने हिसाब से इन प्राइवेट कंपनीज को रेगुलेट करेगी, वो तो एक अलग मुद्दा है. बट ये एक आप चीज़ जो है वो मेंशन कर सकते हो इस प्रकार की अपने मेंस वगैरह में, राइट. तो ये एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है तो उसको हम लोग प्राइवेट कंपनी के भरोसे जो है वो नहीं रख सकते, उनके कंट्रोल में नहीं रख सकते. अगर रख देंगे तो इन फ्यूचर जो है वो वेरियस इश्यूज हो सकते हैं, राइट. एंड ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है गाइज, उसकी अभी एट प्रेजेंट हम लोग को 41 फैक्ट्रीज देखने को मिलती है पूरे इंडिया भर में और 1.6 लाख ऑफिसर जो है वो इन फैक्ट्रीज में डिप्लॉयड है, राइट. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा. माइग्रेशन से रिलेटेड ये सेंसस है 2011 का. बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो आउट माइग्रेंट्स हम लोग को देखने को मिले हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार छोड़ के दूसरी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में, दूसरी स्टेट्स में जो है वो लोग गए हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में. तो ये दो स्टेट्स हम लोग को ऐसी देखने को मिल रही हैं जहाँ से लोग जो है वो बाहर गए हैं और 20.9 मिलियन पीपल
जो है वो बाहर गए हैं कि लगभग हम लोग बोल सकते हैं कि एक मिलियन जो होता है वो 10 लाख होता है और 10 मिलियन जो होता है वो 1 करोड़ होता है, यानी कि लगभग 21 करोड़ लोग जो है स्टेट छोड़कर गए हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार छोड़कर, राइट। और ये माइग्रेंट्स की अगर बात करें, इंटर स्टेट माइग्रेंट्स की, तो उनका 37% पॉपुलेशन है टोटल। तो 21 करोड़ लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर दूसरी दूसरी स्टेट में जाकर सेटल हो गए हैं। और दिल्ली और मुंबई में ये जो सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आकर जो है वो बसे हैं। और गाइस, इंटर स्टेट माइग्रेंट का नंबर जो है वो 1991 और 2001 के बीच में जो है वो इंक्रीज़ हो गया है, 33% जो है वो इंक्रीज़ हुआ था। और अभी 2001 से 2011 की बात करें तो ये मात्र 33% ही कम हुआ है। तो ये बताया जा रहा है कि इस माइग्रेटरी रिपोर्ट के थ्रू कि सिंपल तरीके से दो चीज़ बस याद रखो, उत्तर प्रदेश और बिहार से लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में बाहर गए हैं, आउट माइग्रेंट्स हुए हैं, और दिल्ली और मुंबई में सबसे ज़्यादा लोग जो है वो अंदर आए हैं। तो इतना फिगर वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं है, बट ये याद रख लो कि रीज़न क्या होते हैं माइग्रेशन के। तो गाइस, रीज़न जो होता है वो जेंडर टू जेंडर वेरी करता है। बताया जा रहा है कि 2/3 वुमेन्स जो होती हैं वो माइग्रेट होती हैं बिकॉज ऑफ देयर मैरिज। मैरिज एक कारण है वुमेन के माइग्रेट होने का। और जो जेंडर गैप माइग्रेशन जो है इकोनॉमिक पर्पस का, वो वर्क, बिजनेस और एजुकेशन हम लोग को देखने को मिलता है। डिस्टेंस ऑफ माइग्रेशन के साथ साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि लोग, कुछ लोग बाहर जा रहे हैं काम के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, राइट। और बताया जा रहा है कि फॉर एवरी वुमेन हु माइग्रेट फॉर वर्क, बिजनेस और एजुकेशन, द नंबर ऑफ मैन हु माइग्रेटेड विद इन डिस्ट्रिक्ट, अक्रॉस डिस्ट्रिक्ट, बट विद इन स्टेट्स एंड अक्रॉस स्टेट्स वॉज 3.2, 4.3 एंड 7.4 रिस्पेक्टिवली। तो कुल मिलाकर यही बोला गया कि यहाँ पर भी थोड़ा सा ये देखने को मिला है कि काम के मामले में मैन जो है वो सबसे ज़्यादा बाहर गए हैं एज कम्पेयर टू वुमेन, राइट। तो ये वाली बात यहाँ पर बताई गई है। और तो यही है गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक माइग्रेशन से रिलेटेड। तो ये वाली चीज़ आप लोग को थोड़ी सी बस ध्यान में रखनी है, कुछ चीज़ें जो कि आप मेंस वगैरह में उपयोग कर सकें अच्छी खासी। तो यही था गाइस, बस आज के लिए इतना ही टॉपिक्स थे। और अगर आपको पूरे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए लेक्चर की, तो इसकी PDF भी हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में प्रोवाइड कराते हैं, बट अभी के लिए सिर्फ हमारे पेड कोर्सेज मेंबर के लिए ही इसकी PDF अवेलेबल है। और पेड कोर्सेज में हम लोग आपको पूरी प्रिपरेशन करवाते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, आपको पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाता है, और यहाँ पर समय समय पर इवन टेस्ट भी कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो आप इन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम के ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम की जो एप्लीकेशन है, वहाँ पर जाकर अगर आप इन यूज़र नेम को सर्च करेंगे तो आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, जहाँ पर हम लोग आपको स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड कराते हैं और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन अपडेट्स भी आपको वहीं पर मिल जाती है। तो चलिए गाइस, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।